हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स का चैप्टर फाइव करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, आपने बिल्कुल एक जगह आराम से बैठना है। ऑब्जर्व द मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी, आपकी बॉडी में जो मूवमेंट हो रही है उसको ऑब्जर्व करना है। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आईज टाइम टू टाइम, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि टाइम टू टाइम अपनी आईज को ब्लिंक करते हैं, ठीक है। देन ऑब्जर्व द मूवमेंट इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ, और जब हम सांस लेते हैं तब भी आपने ऑब्जर्व करना है कि हमारी बॉडी में क्या मूवमेंट हो रही है। देर आर सो मैनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन आवर बॉडीज़, और हमारी बॉडीज़ में बहुत तरह की मूवमेंट होती हैं। देन वेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, ये नोट करना है आपने, वेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग, जब हम अपने हाथ से नोटबुक में राइट करते हैं तो आपने ये ऑब्जर्व करना है कि आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट आप यूज़ कर रहे हैं। और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, और जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं अपने फ्रेंड को, तो भी आपने ऑब्जर्व करना है कि आपका बॉडी का कौन सा पार्ट को टर्न किया है आपने, किस बॉडी के पार्ट में मूवमेंट हुई है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव व्हाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस इन दीज एग्जाम्पल्स, क्या है, जैसे आप एक जगह पे बैठ कर अपनी नोटबुक में राइट कर रहे हैं तो आपका बॉडी का कौन सा पार्ट हिल रहा है उस टाइम पे, किस पार्ट में मूवमेंट हो रही है। सिर्फ आपके हैंड में मूवमेंट हो रही है, ठीक है, क्योंकि उसकी हेल्प से हम लिखते हैं, राइट करते हैं। और जब हम अपने फ्रेंड को मुड़ के देखते हैं बैक साइड में, तो भी हम एक जगह पे खड़े हैं या एक जगह पे बैठे हैं, तो लेकिन हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट मूव कर रहा है, सिर्फ जो हमारा हेड है वो मूव करता है, बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो एक जगह पे हैं, ठीक है। तो इन सब एग्जांपल्स में आप क्या देख रहे हैं कि आपकी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो मूव करते हैं, लेकिन आप एक जगह पे हैं, चाहे आप बैठे हैं चाहे खड़े हैं, ठीक है। यू आल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हम एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं, जैसे यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर, आप अपने बेंच से उठते हैं और अपने टीचर के पास जाते हैं, या फिर या आप जो स्कूल का कंपाउंड है वहाँ पर जाते हैं, या फिर स्कूल से घर आते हैं या घर से स्कूल जाते हैं, तो इन जगह पर भी मूवमेंट हो रही है ना आपकी बॉडी में। देन इस टाइम पर आप क्या करते हैं, जैसे आप टीचर के पास जाते हैं, या फिर आप स्कूल कंपाउंड में जाते हैं, गेम पीरियड में जाते हैं, या फिर अपनी लैब में जाते हैं, और या फिर आप घर से स्कूल या स्कूल से घर आते हैं, तो आप इन मोमेंट में क्या करते हैं, तो आप वॉक करते हैं या रन करते हैं, स्किप करते हैं, जंप करते हैं, या फिर मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। देन लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन बाय फीलिंग टेबल 5.1 को फील करके हम देखेंगे कि डिफरेंट जो एनिमल्स हैं वो कैसे मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। देन अब भूजो क्या कहता है, भूजो वंडर्स अबाउट मूवमेंट इन प्लांट्स, अब भूजो को क्या हैरानी हुई है कि प्लांट्स में मूवमेंट कैसे होती है। ही नोज दैट दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये हम सभी देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, बट दे शो एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट, लेकिन ये उनमें भी किसी तरह की मूवमेंट होती है, बिल्कुल होती है। जब आप एक छोटा सा प्लांट लगाते हैं तो वो बड़ा होकर कितना बड़ा बन जाता है, वो होती है, ठीक है, तो उसकी ग्रोथ हो रही है। और एक प्लांट है जैसे टच मी नॉट है, उसको जब हम टच करते हैं तो उसकी जो लीव्स हैं वो एकदम से सारी की सारी सिकुड़ जाती हैं, ठीक है, तो वो भी उसमें भी एक तरह की मूवमेंट है, ठीक है। देन वॉक रन फ्लाई जंप क्रीप क्रॉल स्लीथर एंड स्विम, ये एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे हम चल के जाते हैं या फिर रन करके जाते हैं, फ्लाई करते हैं, बर्ड्स जैसे जंप करते हैं, क्रीप करते हैं, क्रॉल करते हैं, स्लीथर और स्विम करते हैं, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट हैं जो डिफरेंट एनिमल्स में देखने को मिलती हैं। दीज आर ओनली अ फ्यू ऑफ द वेज इन विच एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये कुछ टाइप्स की मूवमेंट हैं। वाई आर दीज सो मैनी डिफरेंसेज इन द वे दैट एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्या है कि ये डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट तरह की मूवमेंट हमें क्यों देखने को मिलती है जब वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं। देन वाई इज इट दैट मैनी एनिमल्स वॉक वाइल अ स्नेक स्लीथर और क्रोल एंड ए फिश स्विम, फिर ये एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो एनिमल्स है कुछ एनिमल्स वॉक करते हैं, जैसे स्नेक है वो या तो स्लीथर करता है या फिर वो क्रॉल करता है, ये भी टाइप है मूवमेंट की, और जैसे फिश है वो स्विम करते हैं, तो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट मूवमेंट क्यों देखने को मिलती है, ये सारा हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो अब ये टेबल हम फिल कर लेते हैं, टेबल में क्या दिखा बोला इन्होंने, क्या पूछा है
कि एनिमल्स हैं, डिफरेंट एनिमल्स हैं और बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाने में वो बॉडी के किस पार्ट का यूज़ करते हैं, एंड हाउ डज द एनिमल मूव, और एनिमल कैसे मूव करते हैं। ठीक है, जैसे काऊ है, काऊ लेग्स की हेल्प से वॉक करती है। ठीक है, ह्यूमंस है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, वो भी लेग्स की हेल्प से क्या करते हैं, वॉक करते हैं। स्नेक है, वो पूरी बॉडी की हेल्प से चलता है, वो या तो क्रॉल करता है या स्लिथर करता है। ठीक है, देन बर्ड है, बर्ड्स में क्या होते हैं, विंग्स होती हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। ठीक है, देन इंसेक्ट है, इंसेक्ट या तो फ्लाई करते हैं या वॉक करते हैं, और किसकी हेल्प से करते हैं, लेग्स की हेल्प से करते हैं। ठीक है, फिश है, वो किसकी हेल्प से करती है, करती है वो, उसके अंदर क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, और वो क्या करती है, स्विम करती है। ठीक है, तो ये थी टेबल आपकी इस चैप्टर में। तो स्टूडेंट्स, अब जो 5th चैप्टर है हमारा बॉडी मूवमेंट्स, उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो है ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स। ठीक है, लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट्स टू बिगिन विद। स्टार्ट करने से पहले हम अपनी खुद की जो बॉडी में मूवमेंट्स होती है उनको अच्छे से देखते हैं। बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वराइटीज ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स, एनिमल्स में देखने से पहले, ये सारी मूवमेंट्स एनिमल्स में देखने से पहले हम ह्यूमन बॉडी में जो मूवमेंट्स होती है उनको देखते हैं। डू यू इंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? फिजिकल स्कूल में आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उसको बहुत इंजॉय करते होंगे। ठीक है, गेम पीरियड में या फिर मॉर्निंग के टाइम पर। हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइजेस? तो जो 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 हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते हैं स्कूल में, तो उस एक्सरसाइज करते टाइम हम अपने हैंड्स और लेग्स को कैसे मूव करते हैं, या आपने ऑब्जर्व करना है। देन लेट अस ट्राई सम ऑफ मैनी मोमेंट्स इन आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ। तो कुछ मोमेंट्स हम देखते हैं जो हमारी बॉडी में होती रहती हैं। बॉल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट। तो आपने ये सोचना है कि जो बॉलर होता है वो कैसे बॉल डालता है। अब इस इमेज में आप ऑब्जर्व करो कि ये जो बॉलर है वो कैसे अपने हैंड की मूवमेंट करता है जब वो बॉल डालता है, तो वो कैसे मूवमेंट करता है, इसमें एक बार ऑब्जर्व करो आप। देन हाउ डिड यू मूव योर आर्म? डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मोमेंट? क्या आप जो बॉलर जो बॉल डालता है बॉलर, तो वो क्या अपनी आर्म को शोल्डर से रोटेट करता है? डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव? क्या आपका शोल्डर भी मूव करता है? तो यहाँ पर शोल्डर मूव नहीं करता है, आपकी सिर्फ आर्म मूव करती है, आपकी बाजू मूव करती है। देन लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप। क्या है, अपने नीचे लेट जाना है और हिप से अपने लेग्स को रोटेट करना है। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड लेग्स एट द नी। क्या है, आपने अपनी बेंड होना है और अपनी एल्बो और लेग को नी से बेंड करना है। तो देखो, जैसे ये लेडी है, ये लेटी है ज़मीन पे, ठीक है, तो ये जब अपने हिप से ये रोटेट करेगी अपनी लेग्स को, ठीक है, तो ये भी एक तरह की मूवमेंट हो गई। ठीक है, अब जैसे ये लेडी है, ये लाई डाउन है, ठीक है, और ये अपने हिप पार्ट से अपने लेग्स को रोटेट करेगी, तो ये हर डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, देन जैसे हम बोला है कि आपने अपनी बॉडी को बेंड करना है और नी पार्ट से और एल्बो पार्ट से इस बॉडी पार्ट को मूव करना है। ठीक है, एल्बो मूव करनी है और नी से मूव करना है, तो झुक जाना है आपने इस तरीके से। ठीक है, देन जब हम अपनी आर्म को स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, एयर में जब हम अपनी आर्म को स्ट्रेच करते हैं उस टाइम पर भी मूवमेंट होती है बॉडी में। देन बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड लेग एट द नी, स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज एंड बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विद योर फिंगर्स। और अपने आर्म को बेंड करना है जिससे कि आपकी फिंगर्स आपके शोल्डर को टच करें। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड? आपकी बॉडी का, आपके आर्म का कौन सा पार्ट आप बेंड कर रहे हैं? देन स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड। और उसके बाद अपनी आर्म को स्ट्रेट करना है एंड आर्म को डाउनवर्ड बेंड करना है। आर यू एबल टू डू इट? तो हो जाता है ये। देन Try to move the various parts of your body and record their movement in table 5.2. तो 5.2 टेबल में अपनी जो बॉडी के मूवमेंट्स हैं उनको आपने ऑब्जर्व करके फिल करना है। तो ये देख लेते हैं हम।
इसमें क्या है, कुछ टर्म्स दी हैं, ये टर्म्स आप हायर क्लासेस में जाओगे ना तो बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे, ठीक है। जैसे रोटेट कम्प्लीटली क्या होता है, रोटेट पार्शियली क्या होता है, जिसको हम थोड़ा बहुत रोटेट कर सकते हैं या टर्न कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। बेंडिंग क्या होती है, झुकना क्या होता है, लिफ्ट जैसे हम किसी बॉडी पार्ट को उठा लेते हैं। एंड डज नॉट मूव एट ऑल, ऐसा कोई बॉडी पार्ट है जिसको हम बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते, तो ये टेबल में आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं इसमें, और ये बॉडी पार्ट्स में इस तरह की जो मूवमेंट है वो कौन कौन सी मूवमेंट किस किस बॉडी पार्ट में हो रही है, ये सारा आपने इस टेबल में फिल करना है। जैसे फर्स्ट है आपका नेक पार्ट है, नेक जो है वो रोटेट हो रही है कम्प्लीटली, जैसे नेक है, नेक आपकी रोटेट हो रही है कम्प्लीटली नहीं, ये अभी मैं दिखाती हूँ आपको। और रोटेट पार्शियली है, पार्शियली तो होती है, थोड़ी बहुत रोटेट हो जाती है आपकी लेफ्ट साइड और डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में आपकी टर्न हो जाती है, मुड़ जाती है, लेकिन कम्प्लीटली रोटेट नहीं होती है। बेंड होती है, हाँ होती है, ठीक है। लिफ्ट होती है, आपकी नेक लिफ्ट नहीं होती है। जब भी आपने कोई चीज़, जैसे हाइट में आपसे बड़ी है या फिर आप दीवार की उस साइड देखना चाहते हो, दीवार की हाइट आपसे ज़्यादा है, तो आप अपनी नीज को आप अपने जो पैर हैं उसको उठाते हैं, अपनी गर्दन को नहीं उठाते, ठीक है। तो आपका जो नेक है उसको हम लिफ्ट नहीं कर सकते, डज नॉट मूव एट ऑल। हम जो गर्दन है डायरेक्शन और डिफरेंट डायरेक्शन में हम मूव करवा सकते हैं, ठीक है, तो इसमें नो आएगा आपका। देन रिस्ट है, एक बार मैं ये नेक का दिखा देती हूँ आपको। जैसे नेक है हमारे, नेक हम बिल्कुल स्ट्रेट नॉर्मल उसमें है, हम पोजीशन में हम बैकवर्ड मूव कर सकते हैं, हम फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं नेक को, ठीक है। हम साइडवेज में मूव कर सकते हैं लेफ्ट और राइट, लेकिन हम कम्प्लीटली मूव नहीं कर सकते, कम्प्लीटली हम रोटेट नहीं कर सकते कि हम पीछे मुड़ के देख ले रोटेट होके, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज रिस्ट। रिस्ट क्या है हमारी, जिसको हम कलाई बोलते हैं, ठीक है। कम्प्लीटली रोटेट कर सकते हैं हम, नहीं कम्प्लीटली इसको रोटेट नहीं कर सकते, ठीक है। आप रोटेट करके देखो अपनी कलाई को। देन रोटेट पार्शियली, पार्शियली हो सकती है ये, ठीक है। बेंड हो जाती है, हाँ बेंड हो जाती है आपकी, आगे मुड़ के देखो इसको, ठीक है। लिफ्ट हो सकती है, नहीं लिफ्ट नहीं होती, हम अपनी कलाई को ऊपर नहीं उठा सकते, जहाँ पे है जैसे है वो है। डज नॉट मूव एट ऑल, इसमें नो आएगा, ठीक है। देन रिस्ट में दिखा देती हूँ आपको कौन सा पार्ट होता है बॉडी का। देखो बॉडी का इस पार्ट को हम रिस्ट कहेंगे, जिसको हम कलाई बोलते हैं, ठीक है। ये हम इस पार्ट से हम जो हैंड है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर सकते हैं, लेकिन उसको ये तो नहीं है कि ये इसको बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रोटेट कंप्लीट रोटेट नहीं होता है, पार्शियली रोटेट होता है, ठीक है। देन उसके बाद फिंगर है, फिंगर का आप देख लेते हैं एक बार। जो फिंगर है कंप्लीटली रोटेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, पार्शियली रोटेट कर सकते हैं, पार्शियली हम रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। आप अपने फिंगर को रोटेट करके देखो, कंप्लीट रोटेट नहीं कर सकते हैं, इसको पीछे नहीं कर सकते हैं, मोड़ नहीं सकते हैं। बेंड कर सकते हैं, हाँ बेंड कर सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम बेंड कर सकते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में हम इसको बेंड नहीं कर सकते हैं। लिफ्ट कर सकते हैं फिंगर को, नहीं फिंगर को हम जो है जो फिंगर है फिंगर को हम लिफ्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे आपकी जो फिंगर है उसको हम उठा सकते हैं, आओ भाई इधर आओ, जैसे मेरे पास हम डायरेक्शन देते हैं, चलो भाई आगे चलो, या फिर इधर मेरे पास आओ, ठीक है, लिफ्ट कर सकते हैं। डज नॉट मूव एट ऑल, इसमें नो आएगा। देन नी पार्ट है हमारा, जो हमारा घुटना होता है, हमारे घुटने को देख लेते हैं, हम कम्प्लीटली इसको रोटेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन ये रोटेट पार्शियली हो जाता है, ठीक है। देन जो पार्शियली जो नी है, ये पार्शियली भी रोटेट नहीं होता है, ये जो नी है नी पार्ट से हम नहीं रोटेट कर सकते हैं। बेंड इसको कर सकते हैं, बेंड मैंने अभी दिखाया था आपको, नी पार्ट से हम बॉडी को बेंड कर सकते हैं। देन इसको हम लिफ्ट कर सकते हैं, नहीं यहाँ से हम लिफ्ट नहीं कर सकते हैं। और डज नॉट मूव एट ऑल, बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते, ऐसा तो हो नहीं सकता, हमारी नी मूव करती है थोड़ा बहुत, ठीक है, रोटेट कर बेंड होती है। देन एंकल है, एंकल हमारा कौन सा पार्ट होता है, जहाँ पर जो लेग और फुट का पार्ट मिलता है उसको हम एंकल बोलते हैं। देन ये कंप्लीट रोटेट हो जाता है, नहीं होता है, ठीक है, कंप्लीट रोटेट नहीं होता है, ठीक है। देन पार्शली रोटेट होता है एंकल। देन बेंड हो जाता है, हाँ बेंड भी हो जाता है अभी।
लिफ्ट होता है जो एंकल है वो लिफ्ट होता है, नहीं होता है और इसमें नो आएगा, ठीक है। देन टो, जो हमारा अंगूठा है, अंगूठे को देख लेते हैं हम, जो हमारा पैर का अंगूठा है, पैर का अंगूठा क्या है, इसमें कम्प्लीटली रोटेट होता है, नहीं होता है, रोटेट पार्शियली, पार्शियली ये हो जाता है। आप अपना जो टो है उसको रोटेट करके देखो तो ये पार्शियली रोटेट, थोड़ा बहुत रोटेट हो जाता है लेकिन कम्प्लीटली रोटेट नहीं होता है। देन बेंड हो जाता है, हाँ बेंड भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है लिफ्ट हो जाता है, लिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है हमारा जो टो है, और डस नॉट मूव एट ऑल, इसमें नो आएगा आपका, ठीक है। फिर आपका जो बैक है, जो आपके बॉडी का बैक है जिसको हम कमर बोलते हैं, ये रोटेट होती है कम्प्लीटली, नहीं होती है, ठीक है। देन पार्शली रोटेट होती है, पार्शली तो हो जाती है, ठीक है। बेंड हो जाती है, बेंड होती है, ठीक है। हम जैसे आगे झुकते हैं, ठीक है, पीछे भी थोड़ा बहुत मुड़ जाते हैं, झुक जाते हैं। देन लिफ्ट होती है, ये नहीं, लिफ्ट नहीं होती, और यहाँ पर भी आपका नो आएगा। देन हेड पार्ट आ जाता है आपका, हेड देख लेते हैं हम। हेड क्या है आपका, कम्प्लीटली रोटेट होता है, नहीं होता है। अभी मैंने आपको दिखाया था कि जब हम अपनी गर्दन को बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में और साइडवेज डायरेक्शन में हम मूव कर सकते हैं, लेकिन हम 360 डिग्री हम रोटेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन पार्शली रोटेट हो जाता है, हाँ पार्शली रोटेट हो जाता है। देन उसके बाद है बेंड हो जाता है, हाँ बेंड होता है भाई। लिफ्ट करते हो आप, अपने सिर को उठा सकते हो ऊपर, नहीं उठा सकते, डस नॉट मूव एट ऑल में आपका नो आएगा। देन एल्बो है आपकी, आप अपनी एल्बो को देखो, एल्बो जो है वो कंप्लीट रोटेट हो जाती है, कंप्लीट रोटेट नहीं होती है, ठीक है। ये अपनी जो आगे की डायरेक्शन है सिर्फ इसमें मुड़ती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ये रोटेट नहीं होती है, ठीक है। देन पार्शली रोटेट होती है, ये पार्शली भी रोटेट नहीं होती है। जो हम अपनी शोल्डर से पूरी आर्म को रोटेट कर सकते हैं, बट एल्बो से हम अपनी एल्बो पार्ट को हम रोटेट नहीं कर सकते, ठीक है। देन बेंड हो जाती है, हाँ बेंड हो जाती है, अपनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेंड हो जाती है, बट बैकवर्ड डायरेक्शन में ये बेंड नहीं होती है। लिफ्ट कर सकते हैं, नहीं लिफ्ट नहीं कर सकते, डज नॉट मूव एट ऑल में आपका नो आएगा। देन आर्म है, हमारी पूरी बाजू है जिसको हम पूरा आर्म बोलते हैं, तो इसको हम रोटेट कर सकते हैं, हाँ पहले से ही दे रखे हैं, पार्शली रोटेट हो जाती है, कंप्लीट रोटेट हो जाती है, पार्शली रोटेट ये नहीं होती है। देन बेंड हो जाती है, आर्म जो है वो बेंड हो जाती है, ठीक है, यहाँ भी आएगा, ठीक है। फिर लिफ्ट कर सकते हैं हम, अपनी बाजू को ऊपर उठाते हैं, जैसे क्लास में जो टीचर है कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप अपनी बाजू उठा के बोलते हैं ना, यस सर या यस मैम मुझे आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो लिफ्ट कर सकते हैं हम, डज नॉट मूव एट ऑल, ये मूव तो होती है, हर डायरेक्शन में होती है, ठीक है। अभी आर्म का दिखा देती हूँ मैं आपको थोड़ा सा। अब जैसे इस इमेज में देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी आर्म है, ठीक है, ये पार्ट आपका रिस्ट है, ठीक है, जिसको कलाई बोलते हैं, और ये पार्ट आपका हैंड है, ठीक है। इसमें मूवमेंट अलग होती है, यहाँ पर मूवमेंट अलग होती है, और यहाँ पर जो मूवमेंट है वो अलग होती है। अब इस पार्ट से हम मूव करेंगे तो हमारा जो हैंड है वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं होगा, लेकिन इस पार्ट से हमारा जो हैंड है वो कंप्लीट रोटेट हो जाता है, ठीक है। और ये यहाँ से आपका बेंड भी होता है, ठीक है, लिफ्ट भी यहीं से करते हो, यहाँ से तो नहीं, यहाँ से लिफ्ट यहाँ से भी हो जाता है, लेकिन कंप्लीट जो लिफ्ट है अच्छे से ये वो यहाँ से होता है, ठीक है। नाउ देन व्हाई इज़ इट दैट वी आर एबल टू मूव अ फ्यू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी ईजिली इन वेरियस डायरेक्शंस एंड सम ओनली इन वन डायरेक्शन। तो हम अपनी बॉडी के कुछ पार्ट्स को हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और कुछ जो पार्ट्स हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। व्हाई वी आर अनेबल टू मूव सम पार्ट्स एट ऑल, और कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते हैं। तो ये एक एक्टिविटी से हम देखते हैं। एक्टिविटी वन क्या कह रही है कि प्लेस स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर। आपने अपनी आर्म पर लोअर साइड में एक स्केल रखना है जिससे कि जो आपकी जो एल्बो है वो सेंटर में आए, ठीक है। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल, और अपने उस स्केल को आपने टाई करना है, और उसके बाद आपने ट्राई करना है कि अपने एल्बो को आप बेंड कर सकें, ठीक है। तो क्या आप अपनी एल्बो को बेंड कर पाओगे जब आपकी एल्बो पर ये स्केल बंधा होगा? नहीं कर पाएंगे।
क्यों नहीं पक कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी एल्बो में एक जॉइंट होता है जिसकी हेल्प से हम अपनी एल्बो को मूव करवा सकते हैं, ठीक है। देन डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेसेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम्स टू जॉइंट टुगेदर। आपने अभी नोटिस किया है, पूरी टेबल भी देखी और ऊपर हमने डिस्कस भी किया है कि हमारी जो बॉडी है वो कहाँ से बेंड होती है, किस पार्ट से बेंड होती है या किस पार्ट से रोटेट होती है, जहाँ पर टू बोन्स आपस में मिलती हैं, बॉडी के जिस पार्ट में टू बोन्स टू बॉडी पार्ट्स आपस में मिलते हैं, तो वहीं पर वहीं से हमारी जो बॉडी है वो बेंड हो सकती है या रोटेट हो सकती है। जैसे एल्बो है, एल्बो पार्ट में या फिर शोल्डर पार्ट में या नेक पार्ट में, यहाँ से यहाँ इन पार्ट्स में हमारी बॉडी में टू जो बोन्स है वो आपस में मिलती हैं, जहाँ से हमारी बॉडी मूव भी हो सकती है, रोटेट भी हो सकती है। और इन पार्ट्स को जहाँ पर दो जो बोन्स है वो आपस में मिलती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट्स, ठीक है। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स? हाँ भी, और भी हैं, जैसे आपका एंकल है, फिंगर जॉइंट्स हैं, आपका हिप जॉइंट्स हैं, ठीक है। देन इफ़ आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स, अगर हम सोच के देखो, अगर हमारी बॉडी में कोई भी जॉइंट नहीं होता, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल? तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि हमारी बॉडी में कोई मूवमेंट हो सकती थी अगर जॉइंट नहीं होता? तो हमारी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होती अगर कोई जॉइंट नहीं होता, ठीक है। वट एग्जैक्टली वी जॉइंट टुगेदर एट दीज जॉइंट्स, इन जॉइंट्स पर क्या जुड़ा होता है एक्चुअली में एग्जैक्टली, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देन प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ योर शोल्डर, हैंड्स एंड लेग्स इंक्लूडिंग फिंगर्स एंड टोज। इन अपनी फिंगर्स को बॉडी के इन डिफरेंट पार्ट्स पर प्रेस करना है, ठीक है। जैसे हेड पे प्रेस किया, नेक पे प्रेस किया, फेस पर प्रेस किया, नोज पर प्रेस किया, ईयर पे प्रेस किया, बैक ऑफ शोल्डर पे प्रेस किया, हैंड्स, लेग्स, हर जगह पे प्रेस करना है। डू गेट ए फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर, क्या आपको कुछ हार्ड हार्ड फील हो रहे हैं? द हार्ड स्ट्रक्चर दैट आर बोन्स, जो हार्ड स्ट्रक्चर आपको शो होता है, जो हार्ड स्ट्रक्चर आपको फील हो रहा है, वो इसको क्या बोलेंगे हम, बोन्स, ठीक है। देन रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के अदर पार्ट्स में भी इस एक्टिविटी को रिपीट करना है आपने। सो मैनी बोन्स, जहाँ पर मतलब हमारी पूरी बॉडी बोन्स की ही बनी है, ढांचा बना है, दिखा देती हूँ मैं आपको। अब ये देखो है, ये है हमारी फुल बॉडी, ब्यूटीफुल जिसको बोलते हैं, ब्यूटीफुल बॉडी, बहुत सुंदर से ये पूरा ढांचा है, हड्डियों का ढांचा, बोन्स है ये सारी के सारे, ठीक है। इस इन बोन्स के ऊपर मसल्स होती है, मसल्स के ऊपर स्किन होती है, तब हमारी जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है वो दिखाई देता है। लेकिन जो हमारा मेन बॉडी स्ट्रक्चर है वो ये सिर्फ ये हड्डियों का ढांचा है, ठीक है। नाउ बोन्स कैन नॉट बी बेंड, बोन्स नहीं मुड़ती हैं, सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो, तो हम अपनी एल्बो को कैसे मोड़ सकते हैं? इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम अपर आर्म टू द रिस्ट, क्या है हमारी आर्म से जो शोल्डर से लेकर और रिस्ट तक, ये सिर्फ एक लॉन्ग बोन नहीं होती है, इसमें नंबर ऑफ बोन्स होती हैं। इट इज़ डिफरेंट बोन्स जॉइंट टुगेदर एट द एल्बो, ये जो अपर हैंड है इसमें एक जो बोन होती है और लोअर हैंड में हमारी टू बोन्स होती हैं जो आपस में जुड़ के पूरी एक आर्म बना लेती हैं, बाजू बना लेती हैं। सिमिलरली देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, इसी तरीके से हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बहुत सारी बोन्स प्रेजेंट होती हैं। वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज जॉइंट्स, दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट, हम अपनी बॉडी को सिर्फ उन्हीं पार्ट से बेंड कर सकते हैं जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा जो बोन्स हैं वो मिलती हैं, ठीक है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी टू हेल्प अस, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज, क्या है हमारी बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं जो कि हमें अपनी बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं, हम उड़ सकते हैं, चल सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं, कुछ भी जो वेट है उसको वो उठा सकते हैं, तो ये सारा किसकी हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। क्लास सिक्स चैप्टर बॉडी मूवमेंट्स का नेक्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट
टाइप ऑफ जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो कि बॉडी मूवमेंट में बॉडी में मिलता है, ये हम एक एक्टिविटी की हेल्प से करेंगे। रोल स्ट्रिप को पेपर है, पेपर के स्ट्रिप को रोल करना है एक सिलेंडर की तरह। मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल, एक कोई भी पुरानी सी आपने प्लास्टिक की बॉल या रबर की बॉल लेनी और उसमें होल करना है एक अंडर द सुपरविजन, आपके टीचर या आपके घर पे कोई बड़े की सुपरविजन के अंडर में ये होल करना है आपने। एंड पुश द पेपर सिलेंडर इन टू इट, और पेपर का जो सिलेंडर आपने बनाया है वो उस बॉल में फिट करना है आपने, ठीक है, जैसे फिगर 5.2 में दिया है। यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल, और जो सिलेंडर है उसको आपने बॉल में के ऊपर स्टिक भी कर सकते हो आप, या तो उसको होल करके उसके अंदर डाल दो या उसके ऊपर स्टिक कर दो, चिपका दो। पुट द बॉल इन अ स्मॉल बाउल, और बॉल को आपने फिर उस एक जो स्मॉल बाउल है, छोटा सा बाउल है, उसमें फिक्स कर देना है, जैसे अभी फिगर में दिखाया आपको, जैसे ये फिगर है आपका, ये बॉल बाउल है आपका, ठीक है, छोटा सा कटोरा है, कटोरे की टाइप ले लो आप, ये बॉल होगी आपकी प्लास्टिक की या रबड़ की बॉल ले लो, ये आपका पेपर जो सिलेंडर बनाया है आपने, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सारा पेपर सिलेंडर को आपने बॉल में या तो फिक्स करना है या उसके अंदर होल करके डालना है, फिर इस बॉल को आपने इस बाउल में फिक्स करना है, बाउल अंदर से जो कटोरा है या कटोरी है वो खाली होता है ना, तो उसके अंदर इस बाउल को फिट करना है आपने, ठीक है। देन डज द बॉल रोटेट फ्रीली इन साइड द बाउल, क्या है जो बॉल है वो बाउल के अंदर बहुत फ्रीली मूव कर सकती है। डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट, तो पेपर का सिलेंडर है वो भी रोटेट करेगा। आप देखो जैसे ये बाउल है, बाउल के अंदर जो यहाँ पर खाली स्पेस है, बाउल के अंदर ये बॉल अच्छे से रोटेट करेगी, ठीक है, और जब ये बॉल रोटेट करेगी तो ये सिलेंडर जो पेपर सिलेंडर है ये भी रोटेट करेगा। तो इस टाइप का जो जॉइंट है वो हमारी बॉडी में पाया जाता है, मिलता है, इसीलिए ये एक्टिविटी हुई है। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज़ योर आर्म, अब क्या इमेजिन करना है कि जो पेपर का सिलेंडर बनाया आपने वो आपकी आर्म है, आपकी बाजू है, एंड द बॉल इज़ इट्स एंड, और जो बॉल प्लास्टिक की बॉल ली है वो आपकी आर्म का एंड है। द बाउल इज़ लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर, और जो बाउल लिया आपने, कटोरे कटोरे ली है, ये आपके शोल्डर का पार्ट है, विच योर आर्म इज़ जॉइंट, जहाँ पर आपकी जो आर्म है वो शोल्डर से अटैच होती है, जॉइंट होती है, ठीक है। तो जो बाउल हो गया वो आपका शोल्डर का पार्ट हो गया, ठीक है, जहाँ पर आर्म जुड़ती है, ठीक है। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू कैविटी, और जो बोन का जो राउंडेड एंड होता है वो एक कैविटी, कैविटी क्या होती है, एक होलो स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है, जैसे बाउल लिया था आपने, बाउल आपका अंदर से खाली है तो उसमें एक जो बॉल है वो फिट होगी, ठीक है, और जो पेपर का जो सिलेंडर बनाया था वो उसके साथ अटैच है, तो आपने जो कैविटी है, कैविटी आपका शोल्डर का पार्ट है, और जो बॉल है वो आपका जो अपर आर्म है, ठीक है, अपर आर्म आपका बॉल की तरह होगी, उसका एंड है, और जो पूरी आर्म है वो पेपर स्ट्रिप की तरह होगी, ठीक है। देन सच ए जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस, तो ये इस तरह का जो जॉइंट होता है वो बॉडी के उस जिस पार्ट में ये जॉइंट मिलता है वो बॉडी का वो पार्ट हर डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, जैसे आपकी आर्म है, आपकी बाजू है, वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ आप मर्जी मूव करवाओ। देन कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट, यू कैन थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट्स वी ट्राइड एट द बिगनिंग ऑफ दिस सेक्शन, क्या है इसी तरीके का एक और जॉइंट आपने बताना है, जैसे आपका हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट में भी आपका बॉल एंड सॉकेट मिलता है, जैसे आपका ये हिप पार्ट हो गया, ठीक है, हिप बोन होगी, तो हिप बोन में ये खाली स्पेस होता है, कैविटी होती है, जिसमें आपकी जो थाई बोन होती है, थाई बोन का जो एंड पार्ट है वो वहाँ पर स्टिक हो जाता है, जॉइंट हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मिलता है। अब जैसे बॉल एंड सॉकेट का मैंने बताया था आपको, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या है कि ये जैसे शोल्डर बोन है आपकी, ठीक है, ये आपकी शोल्डर बोन है स्कैपुला, तो इसमें ये बॉल की तरह की आपका अपर आर्म की बोन आ जाती है, ठीक है, और ये पूरी आपकी अपर आर्म है जिसको हम ह्यूमरस बोलते हैं, और अपर आर्म का जो ये बॉल की तरह का फिगर है, स्ट्रक्चर है, ये स्कैपुला में ऊपर फिट हो जाता है, और इसी वजह से हम अपनी जो आर्म है उसको हर डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं, ठीक है।
अब देखो जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपका हिप बोन में भी मिलता है, जैसे आपकी हिप बोन होगी और ये आपका जो लेग बोन है, ठीक है, अपर जो लेग बोन है इसका ये एंड पार्ट है, ठीक है, ये आपका बॉल की तरह आ गया, जो थाई बोन है उसका बॉल की तरह का जो स्ट्रक्चर है, और ये आपका पेपर जो सिलेंडर बनाया था आपने उसकी तरह का यहाँ पर एक्ट करेगा, तो यहाँ पर ये एक सॉकेट बना लेते हैं, ठीक है, कैविटी होती है, कैविटी बन जाती है आपकी जो हिप बोन है, ये यहाँ पर एक होल स्पेस होता है, ठीक है, खाली स्पेस होता है, सॉकेट होता है जो कि जो थाई बोन है वो उसमें फिट हो जाती है इस तरह से, ठीक है, ये आपका हिप बोन होगी और ये आपकी थाई बोन होगी, और यहाँ पर ये कैविटी होती है जिसमें कि ये थाई बोन का जो अपर बोल की तरह का स्ट्रक्चर है वो इस कैविटी में फिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपनी लेग को अच्छे से हर डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्लास सिक्स का जो चैप्टर फिफ्थ है बॉडी मूवमेंट्स, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पिवोटल जॉइंट, ठीक है, पिवोटल जॉइंट भी इसको बोलते हैं, पिवोटल जॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये जॉइंट आपके बॉडी में कहाँ पर मिलेगा, द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट द हेड इज ए पिवोटल जॉइंट, क्या है, जहाँ पर हमारी जो गर्दन है हेड के साथ जुड़ी होती है उस वहाँ पर आपका पिवोटल जॉइंट मिलता है, इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू आवर लेफ्ट एंड राइट, तो ये जहाँ पर ये पिवोटल जॉइंट मिलता है ये हमारे हेड और नेक में मिलता है, ठीक है, हेड और नेक का जो जॉइंट होता है वहाँ पर पिवोटल जॉइंट होता है, जहाँ पर आपकी नेक जो है वो हेड के साथ जॉइंट होती है, जुड़ी होती है, तो या इस जॉइंट की हेल्प से हम अपने हेड को, अपना जो जो खोपड़ी है, जो अपना सिर है, उसको बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं, जैसे मैंने अभी इमेज में दिखाया था आपको जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हम अपनी गर्दन को बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम मोड़ सकते हैं, और राइट और लेफ्ट में भी हम अपनी जो गर्दन है उसको बेंड कर सकते हैं। ट्राई दिस मूवमेंट, हाउ आर दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आवर आर्म दैट कैन रोटेट कम्प्लीट सर्कल, ठीक है, तो ये जो पिवोटल जॉइंट की जो मूवमेंट है वो हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट है वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है, लेकिन पिवोटल जॉइंट जो है वो सिर्फ बैकवर्ड और फॉरवर्ड और लेफ्ट राइट में मूव कर सकता है। देन इन अ पिवोटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट इन अ रिंग, क्या है पिवोटल जॉइंट में क्या है, एक जो सिलेंड्रिकल बोन है वो एक रिंग में रोटेट करती है, मैं आपको एक इमेज के थ्रू बताती हूँ, ये जैसे इस इमेज में देखो आपकी जो ये टू बोन्स है ना ये अटैच होती है, ये आपके हेड की बोन होगी, ये आपकी नीचे नेक की बोन होगी, ठीक है, और इस बोन का जो सेंटर पार्ट है, जैसे ये आपकी यहाँ पर आपकी क्या है, ये आपके हेड की बोन होगी और ये आपकी नेक की बोन होगी, ठीक है, अब नेक की बोन का ये वाला पार्ट आपके हेड की बोन में इस तरीके से फिक्स होता है जिससे कि हमारा जो हेड है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। अब जैसे इस इमेज में देखो ये जो बोन्स हैं ये हमारी नेक की बोन है, ठीक है, और ये जो अपर टू बोन्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये हेड की बोन होगी, ये हमारी नेक की बोन होगी, ठीक है, और ये एक रिंग की तरह के स्ट्रक्चर में यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं। एक और इमेज में दिखा देती हूँ मैं आपको, अब इसमें देखो इसको अच्छे इसमें अच्छे से समझ आएगा, ये आपकी जो बोन है वो क्या है आपकी एटलस है, ठीक है, और ये आपकी एक्सिस है, एक्सिस आपकी हेड बोन होगी, और ये आपके जो एटलस है एटलस के अंदर ये जो एक्सिस है वो फिट हो जाती है जिससे कि हमारी जो गर्दन है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में और लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में मूव कर सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है फिफ्थ चैप्टर का हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जैसे आपका नाम से ही शो हो रहा है, लग रहा है कि एक जैसे डोर है ना घर में, दरवाजे होते हैं उसमें जो जोड़ होता है जिसकी वजह से जो दरवाजा है वो खुलता है या बंद होता है, उसकी तरह से ये जॉइंट एक्ट करता है, हिंज जॉइंट, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ओपन एंड क्लोज द डोर अ फ्यू टाइम्स, कुछ बार मतलब दो चार बार आप अपने घर का जो डोर है, रूम का डोर है, उसको खोल के देखो और बंद करके देखो। ऑब्जर्व द हिंजेस ऑफ द डोर केयरफुली, जो डोर के हिंजेस हैं उनको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ, ये जो हिंज होते हैं ये ही डोर को अलाउ करते हैं बैक और फोर्थ मूवमेंट में, ये एक एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ द मूवमेंट अलाउ बाय द हिंज, ठीक है, देन मेक अ सिलेंडर विद कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर,
देन मेक अ सिलेंडर विद कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर। चार्ट पेपर मोटा जो चार्ट पेपर है या फिर कार्डबोर्ड है उसकी हेल्प से आपने सिलेंडर बनाना है, जैसे कि फिगर 5.5 में दिखाया है। अटैच द स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय पियर्सिंग द सिलेंडर एट द सेंटर। और सिलेंडर के जो सेंटर है उसमें एक छेद करना है और उसमें एक पेंसिल को आपने अटैच कर देना है, जैसे कि आपको फिगर में दिखाती हूँ। मेक अ होलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम द कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड की हेल्प से एक आपने हाफ सिलेंडर बनाना है, आधा सिलेंडर बनाना है। दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड, जो आपने पूरा सिलेंडर बनाया था वो उस हाफ सिलेंडर में अच्छे से फिट हो जाए, इस तरीके से आपने वो फिट हाफ सिलेंडर बनाना है। देन द होलो हाफ सिलेंडर, द होलो हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड। और हाफ सिलेंडर के अंदर आपने जो फुल कंप्लीट सिलेंडर बनाया था, रोल्ड सिलेंडर बनाया था, उसको आपने अंदर रख देना है। अलाउ द मोमेंट लाइक अ हिंज, तो इसमें जो मोमेंट आप करवा कर देखोगे वो एक हिंज की तरह होता है, जैसे दरवाजे में जो हिंजेस होते हैं उनकी तरह होता है। ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर, तो अब रोल्ड अप सिलेंडर को आपने मूव करवा के देखना है। हाउ डज इट मूव, ये कैसे मूव करता है। How is the this moment different from what we saw with our constructed ball and socket joint? Ball and socket joint से ये जो moment है वो कैसे different है। Ball and socket में तो हर direction में move हो जाता था, लेकिन इसमें जहाँ तक ये pencil जाएगी इस direction में या इस direction में, जहाँ तक ये pencil जाएगी वहाँ तक ही ये move कर सकेगा। ये आपका half cylinder है और ये full cylinder बनाया है, और इसमें आपने पेंसिल को अटैच करना है, इसके अंदर डालना है। तो जहाँ तक ये पेंसिल जाएगी इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में लेकर आओगे तो वहीं तक ये मूवमेंट हो पाएगी, इससे आगे मूवमेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है। देन व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 5.5 इज डिफरेंट फ्रॉम द हिंज ऑफ कोर्स, क्या है जो हिंज है, हिंज से हमारा जो फिगर 5.5 हमने बनाया है उससे वो कैसे डिफरेंट है। डिफरेंट तो है ही नहीं, जैसे हिंज वर्क करेंगे वैसे ही हमारा जो फिगर है वो मूव करेगा। बट इट इलस्ट्रेटेड द डायरेक्शन इन विच द हिंज अलाउ मूवमेंट, ये क्या है कि ये उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में उसको हिंज मूव करने के लिए अलाउ करेंगे, दूसरी डायरेक्शन में वो मूव नहीं कर पाएगा। द एल्बो हैज़ अ हिंज जॉइंट दैट अलाउ ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, क्या है जो एल्बो है हमारी उसमें हिंज जॉइंट होता है, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ द मोर एग्जाम्पल ऑफ सच जॉइंट्स, नी जो जॉइंट है आपका, जो घुटने में जो जॉइंट है उसमें भी आपका हिंज जॉइंट होता है, ठीक है। अब ये फिगर देख लेते हैं एक बार। अब जैसे ये आपकी नी जॉइंट है, ये आपका नी जॉइंट है, नी जॉइंट में ये आपकी थाई बोन आ जाती है, ठीक है, ये थाई बोन आ जाती है आपकी, और ये आपकी लोअर लेग बोन आ जाती है, ठीक है। तो इसमें मैं एक और फिगर से दिखाती हूँ आपको, ये एल्बो में दिखाया है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट में क्या है कि ये अपर आर्म की बोन है और ये लोअर आर्म की टू बोन्स हैं, तो ये यहाँ पर आपकी जो जॉइंट होता है यहाँ पर हिंज जॉइंट होता है, इस जॉइंट की तरह यहाँ पर वर्क होता है कि ये सिर्फ आपकी बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, बाकी किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। अब यहाँ पर इस फिगर में देखो, ये आपका हिंज जॉइंट है, हिंज जॉइंट में इन्होंने एक हाफ सिलेंडर बनाया था, फिर फुल सिलेंडर बनाया है, ठीक है। इसमें फिर ये हिंज की तरह वर्क करेगा कि ये जितना यहाँ से अलाउ करेगा, ये इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में कैसे मूव करेगा, जहाँ पर ये जो जैसे पेंसिल वहाँ पे यूज़ की थी, ये जो यहाँ पर जैसे आज आके अटक जाएगा तो इससे आगे वो मूव नहीं करेगा। इसी तरीके से ये जो जॉइंट है ये हमारी एल्बो में मिलता है और नी में मिलता है, ठीक है। अब इस इमेज में भी देखो कि आपका जो हिंज जॉइंट है, हिंज जॉइंट ये आपकी अपर आर्म की बोन हो जाती है और ये लोअर आर्म की बोन है, तो लोअर आर्म की बोन इस कैविटी में यहाँ पर फिक्स हो जाती है, और ये कब किस डायरेक्शन में सिर्फ आपकी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट में हेल्प करेंगे, ठीक है। जहाँ तक ये जो बोन है इस पार्ट में अटक जाएगा तो इससे आगे वो मूव नहीं करेगी, ठीक है। ये हमारा जो आपका नी में और एल्बो में ये जॉइंट देखने को मिलता है, ठीक है। फाइव बॉडी मूवमेंट्स का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जो है हमारा फिक्स्ड जॉइंट। हमने पिवोटल जॉइंट कर लिया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कर लिया, और अब नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड जॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन अवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड सो फार। अभी तक जितने भी हमने जॉइंट्स डिस्कस किए हैं उनमें से जो हमारे हेड में जॉइंट्स हैं वो उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दी जॉइंट्स। इन जो हेड में जॉइंट्स हैं उनमें जो बोन्स हैं वो मूव नहीं कर सकती, इसीलिए इन जॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड जॉइंट। ठीक है, व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड। जब हम पानीपुरी खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, तो उस टाइम पर हम जब अपना जॉ ओपन करते हैं, अपना मुँह खोलते हैं, तो उस टाइम पर हमारा लोअर जॉ, नीचे वाला जो जबड़ा है वो खुलता है, ऊपर वाला नहीं खुलता उस टाइम, ऊपर वाला नहीं हिलता है, तो नीचे वाला हमारा जो जबड़ा है वो खुलता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला हेड के साथ फिक्स है। अभी इस इमेज में देखो जो हमारा स्कल है, ये स्कल की इमेज है, तो स्कल में ये कुछ जो जॉइंट्स हैं ये फिक्स जॉइंट दिए हैं। ठीक है, ये सारे जॉइंट जो है वो फिक्स हैं। और जो ये हमारा लोअर जो है, जब हम पानी पूरी खाते हैं या कुछ खाना खाते हैं, जो भी खाते हैं पीते हैं, तो हमारा जो लोअर जो है ये खुलता है, अपर जो हमारा नहीं खुलता है, अपर जो जो है वो नहीं हिलता है, क्योंकि वो हमारा हेड के साथ फिक्स है। जो लोअर जो है वो मूवेबल है, सिर्फ यही वर्क करता है। ठीक है, अब जैसे ये बहन है अपनी, ये पानीपुरी खा रही, तो इसका जो लोअर जो है ये ओपन हुआ है, ना कि अपर जो, क्योंकि अपर जो जो है हमारा वो हेड के साथ फिक्स होता है, तो लोअर जो मूवेबल है यही वर्क करता है जब भी हम कुछ खाते हैं या पीते हैं। ठीक है, इसी तरह से इन भाई को देखो, ये भी पानीपुरी खा रहे हैं, तो इनका भी जो लोअर जो है ये ओपन हुआ है, अपर जो हमारा जो ऊपर वाला जबड़ा है ये हेड के साथ फिक्स होता है, हेड जॉइंट्स के साथ फिक्स होता है, तो ये मूवेबल नहीं होता है, सिर्फ जो लोअर जो है ये मूवेबल होता है। ठीक है, देन ट्राई टू मूव योर अपर जॉ नाउ। अब जो हमारा ऊपर वाला जबड़ा है उसको मूव करने की कोशिश करो, वो मूव नहीं होता है, इट इज़ नॉट एबल टू मूव। देन देर इज़ अ जॉइंट बिटवीन अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज़ अ फिक्स्ड जॉइंट। तो जो हमारा अपर जॉ है और हेड में एक जॉइंट होता है जो कि फिक्स जॉइंट जिसको हम बोलते हैं, वो फिक्स होता है, वो मूवेबल नहीं होता है, हम अपना जो अपर जॉ है और हेड है उसको मूव नहीं कर सकते हैं। बाकी जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, बॉडी के जितने भी बोन्स हैं उनको सब वो मूवेबल हैं, उनमें जॉइंट्स होता है। देन वी डिस्कस ओनली सम ऑफ द जॉइंट्स दैट कनेक्ट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। क्या है, हमने अभी तक बहुत सारे 3-4 जो जॉइंट्स हैं वो अभी तक डिस्कस किए हैं जो कि बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। व्हाट गिव्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप। तो जो हमारी बॉडी के डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं या बॉडी पार्ट्स हैं उनको डिफरेंट शेप कैसे मिली हुई है, जैसे हैंड की शेप अलग है, जो आर्म है उसकी शेप अलग है, लेग की शेप अलग है, फुट की शेप अलग है, हमारी गर्दन की शेप अलग है, तो हमारे जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी सबकी शेप अलग है, वो क्यों है, क्योंकि जिस बॉडी ऑर्गन का जो फंक्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग उसका शेप होता है। ठीक है, देन इफ़ यू वांटेड टू मेक अ डॉल, अगर आप एक डॉल बनाना चाह रहे हैं तो देन व्हाट विल यू मेक फर्स्ट। तो सबसे पहले आप उसका क्या बनाओगे, उसका एक ढांचा बनाओगे। ठीक है, उसका जो जिसके ऊपर उसका सारा जो उसका मेकअप वगैरह जो भी करोगे, तो सबसे पहले हम एक ढांचा बनाते हैं। देन परहैप्स ए फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर। ठीक है, यही करते हैं हम, क्यों जो भी हम बनाते हैं डॉल बनाते हैं, पहले हम बनाते थे तो उस टाइम पर उसका एक फ्रेमवर्क बनाते थे। ठीक है, लकड़ी का या फिर जो भी मटेरियल आपको मिलता है उसका हम फ्रेमवर्क बनाते हैं ताकि उसको एक प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है वो दिया जा सके, उसकी शेप दी जा सके। ठीक है, देन ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी आल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव ए शेप टू आवर बॉडी। तो इसी तरीके से हमारी जो बॉडी है उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट बोन्स होती हैं, वो सारे की सारी मिलके एक फ्रेमवर्क बनाती हैं जो कि हमारी बॉडी को एक शेप देती है, प्रॉपर शेप देती है। ठीक है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये है हमारा प्यारा सा ढांचा जिसके ऊपर हमारे स्किन मसल्स होते हैं, फिर उसके ऊपर स्किन होती है जिससे कि हमारी बॉडी को पूरी शेप मिलती है। जैसे ये आर्म बोन है, ये हमारी लेग बोन है, ठीक है, ये हमारी हिप बोन है, शोल्डर बोन है, और ये हमारा रिब केज है, हेड है, ये डिफरेंट जो बोन्स हैं वो सब कनेक्ट होके एक दूसरे के साथ जुड़ के हमें एक प्रॉपर शेप देती है। ठीक है, बॉडी को एक शेप देती है। देन द ह्यूमन स्केलेटन इज़ कम्पोज ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट बर्थ। बर्थ के टाइम पर जो ह्यूमन स्केलेटन होता है उसमें 305 बोन्स होते हैं, 305 बोन्स होती हैं। द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंजेस विद एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे नंबर ऑफ जो बोन्स हैं वो डिक्रीज होती चली जाती हैं। ठीक है, एंड इट डिक्रीजेज टू
206 बोन्स बाय एडल्टहुड आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज्ड टुगेदर। तो जैसे बर्थ के टाइम पर 305 थी, तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ये जो बोन्स है एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, ठीक है। और जुड़ने के बाद जब तक हम एडल्टहुड में पहुँचते हैं, कम्प्लीट एडल्टहुड स्टेज में हम जाते हैं, तो उस टाइम तक हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि एट द बर्थ ह्यूमन स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं, तो 305 होती हैं। नॉर्मल अगर आपसे पूछे तो 206 होती हैं, ठीक है। देन द फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन। अब ये स्केलेटन देखो हमारे यहाँ पे भी दिया है इन्होंने, ठीक है। तो द फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन। देन हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो शेप है वो ह्यूमन स्केलेटन की है। हाउ डू वी नो द शेप ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो डिफरेंट जो बोन्स हैं उनकी अलग अलग शेप है, तो वो भी हमें कैसे पता चलेगी। वी कैन हैव आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय फीलिंग द। जैसे हम कहीं पर भी अपनी बॉडी में टच करते हैं तो उनकी जो शेप है या फिर लेंथ है या फिर नंबर ऑफ बोन्स है, तो वो हम फील टच करके भी फील कर सकते हैं। वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड बी टू लुक एट द एक्सरे इमेजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगर हमें अच्छे से शेप को देखना है हमारी बोन्स की, तो हम एक्सरे इमेज से जो बोन्स है उनकी शेप को हम अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। देन डिड यू और एनी वन इन योर फैमिली एवर हैव एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी टेकन। क्या आप और आपकी फैमिली में कभी किसी बॉडी किसी के भी बॉडी ऑर्गन का एक्सरे हुआ है। समटाइम्स वेन वी आर हर्ट और हैव एन एक्सीडेंट, डॉक्टर्स यूज दीज एक्सरे इमेजेस टू फाइंड आउट अबाउट एनी पॉसिबल इंजरीज दैट माइट हैव हैपन टू द बोन्स। क्या है, जब भी कोई हमें इंजरी हो जाती है, कुछ चोट लग जाती है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, क्या आपको सजेस्ट करते हैं कि उस जहाँ पर आपको चोट लगी है, जिस बॉडी पार्ट में आपको चोट लगी, वहाँ का एक्सरे करवाओ, ठीक है। क्यों करवाते हैं वो, क्योंकि उनको एक्सरे से हमारी जो बोन्स है उनका अच्छे से पता चल जाता है कि वहाँ पर जो कितनी जो इंजरी है उस बॉडी ऑर्गन में हुई है, जो हमारे जो बोन्स हैं उनमें कहीं पे क्रैक तो नहीं हुई है या फिर वो टूट तो नहीं गई है, ब्रेक तो नहीं हो गई है। तो वो सब पता करने के लिए जो डॉक्टर्स हैं वो किस चीज़ के लिए आपको सजेस्ट करते हैं, एक्सरे करवाने के लिए। जब भी हमें कोई ज़्यादा मेजर इंजरी हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में जो डॉक्टर्स हैं वो हमें एक्सरे करने का सजेस्ट करते हैं। द एक्सरे शो द शेप ऑफ द बोन्स इन अवर बॉडीज, ठीक है। देन फील द बोन्स इन योर फोर आर्म। क्या है, फोर आर्म जो हमारी आगे वाली बाजू है, आर्म है, अपर आर्म है, लोअर लेग है, अपर लेग है, इसमें जो हमारी बोन्स होती हैं उनको फील करके कोशिश करो आप। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट। जो फोर आर्म है, अपर आर्म है, लोअर लेग है या अपर लेग है, उसमें नंबर ऑफ बोन्स को फील करने की ट्राई करो कि कितनी नंबर ऑफ बोन्स आपकी फोर आर्म में है, अपर आर्म में है, लोअर लेग में है या अपर लेग में है। ये मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। Then similarly feel the bones of your ankle and knee joints and compare these with the x-ray image। क्या है, उसके बाद जो आपकी ankle में है उन bones को आपने feel करना है, knee joints है घुटने में जो joint है उसको आपने feel करना है, और उसको आपने जो x-ray image है उसके साथ compare करना है। जो ये x-ray image है ये आपका एक तो ये तो उल्टा दिया हुआ है, ठीक है, ये उल्टा दिया हुआ है। जो अपर लेग है उसमें आपकी एक बोन होती है, लोअर लेग में टू बोन्स होती है, तो ये उल्टा करके इन्होंने दिया। और ये जो है इन्होंने कि यहाँ पे इन्होंने किसका शो किया, एंकल का शो किया, ये एंकल का एक्सरे नहीं है, ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये भी मैं दिखा देती हूँ आपको। ये जैसे आपको बोला था ना अपर आर्म और लोअर आर्म में आप फील करके देखो कितनी बोन्स है, तो ये आपकी अपर आर्म की और पूरी जो आर्म है उसकी इमेज है। तो अपर आर्म में आपकी एक बोन होती है, ठीक है, जिसको हम ह्यूमरस बोलते हैं, और लोअर आर्म में आपकी टू बोन्स होती हैं, रेडियस एंड अल्ना। अब ये देखो ये हैंड की एक्सरे इमेज है, जो पूरी आर्म है उसकी एक्सरे इमेज है, जो अपर आर्म है आपकी ये ह्यूमरस है, ठीक है। तो ह्यूमरस की एक्सरे इमेज आपकी एक सिंगल बोन होती है, और आपकी जो लोअर आर्म है जो नीचे वाली आर्म है उसमें आपकी टू बोन्स होती है, रेडियस एंड अल्ना। ये आर्म की एक्सरे इमेज है, ये पूरी की पूरी, ये पूरा इसमें हैंड भी इन्वॉल्व है आपका, तो ये पूरा का पूरा एक्सरे इमेज है। ये आपके जो रिस्ट है और ये आपका पूरा जो फिंगर्स हैं इनकी एक्सरे इमेज है। अब ये देखो आपकी आर्म इमेजेस, आर्म बोन्स हैं। फर्स्ट आपके जो अपर आर्म में आपकी सिंगल बोन होती है, लोअर आर्म में आपकी टू बोन्स होती हैं, अल्ना एंड रेडियस, और ह्यूमरस आपकी अपर आर्म में इमेज बोन होती है। और ये आपकी रिस्ट बोन्स हैं, एट नंबर ऑफ जो बोन्स हैं वो रिस्ट में आपकी एट होती हैं। और ये पूरी जो उसके बाद इनको बोलते हैं कार्पल्स, जॉइंट जो बोन्स होती हैं वो उनको कार्पल बोलते हैं। वैसे अलग अलग नेम है इनको, आप हायर क्लासेस में जाओगे तो तब रीड करोगे। और ये आपकी मेटाकार्पल्स है, जिसको आप हथेली बोलते हैं, ठीक है। और ये आपकी फेलेंजेस हैं, ठीक है, ये आपकी जो उंगलियाँ हैं उनकी बोन्स हैं। उसके बाद ये आपकी आ जाती है लेग बोन, जो लेग है
लेग में आपकी अपर लेग में सिंगल बोन होती है, ठीक है, जिसको हम फीमर बोलते हैं, और लोअर लेग में फिर आपकी टू बोन्स होते हैं, ये टीबिया और फिबुला, ठीक है। देन ये एंकल बोन का एक्सरे इमेज है, जो एंकल बोन है आपकी ऊपर जो लेग है, लोअर लेग में आपकी टू बोन्स होती हैं ऊपर, उसके बाद ये आपके एंकल बोन्स आ जाती हैं, इसका एक्सरे इमेज है, ठीक है। फिर ये आपका पूरा का पूरा फुट आ जाता है। ये एक और इमेज दिखाती हूँ मैं आपको इसकी, ये आपकी लेग की एक्सरे इमेज है, ये अपर लेग में आपकी वन बोन होती है, ठीक है, और लोअर लेग में आपके टू बोन्स होते हैं, ये बीच में आपका जॉइंट होता है। अपर लेग में आपकी वन बोन होती है, सेकंड जो आपकी लोअर लेग है इसमें टू बोन्स होती हैं। अब ये देखो, ये आपका एंकल जो बोन्स हैं उसकी एक्सरे इमेज है, ये आपकी एंकल है आपका, ठीक है, और ये आपका पूरा फुट हो गया, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरे इमेज है एंकल बोन की, तो आपने उस जो वहाँ पे इमेज दी है बुक में उसके साथ आपने कंपेयर करना, वहाँ पे रोंग है तो यहाँ से आप देख लेना, ठीक है। देन बेंड योर फिंगर्स, आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी पॉइंट, आपने अपनी फिंगर्स को बेंड करके देखना है और आपने ये फील करना है कि क्या आप हर एक पॉइंट से उनको बेंड कर सकते हो। हाउ मैनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर है, तो आपकी जो मिडल फिंगर है उसमें कितनी बोन्स हैं, जो मेनली आपकी जो फिंगर्स होती हैं उनमें तीन बोन्स होती हैं और आपका जो थंब है उसमें टू बोन्स होती हैं। देन फील द बैक ऑफ योर पाम, अब पाम का जो बैक साइड है उसको आपने फील करना है। इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स इजंट इट, क्या आपके जो पाम है उसमें काफ़ी सारी बोन्स हैं। देन इज योर रिस्ट फ्लेक्सीबल, तो क्या आपकी जो रिस्ट है कलाई है क्या वो फ्लेक्सीबल है। ये आपके हैंड की इमेज है, ठीक है, हैंड की इमेज है, ये आपकी रिस्ट बोन्स होगी, ठीक है, रिस्ट बोन्स में जिनको हम कार्पल्स बोलते हैं, और ये नंबर ऑफ बोन्स हैं इसकी, एट बोन होती हैं। आपको अभी इनका नाम नहीं रटना है, सीनियर क्लासेस में जाके आपको अपने आप पता चल जाएगा। ये आपकी पाम बोन्स हैं, ठीक है, पाम बोन्स है, ये आपकी हथेली की बोन्स हैं जो ये ऑरेंज कलर में हैं, और जो ये ऊपर ग्रीन कलर में है ये आपकी फैलेंजीज हैं, ये आपकी उंगलियां हैं, ठीक है। और सबको पता है कि जो उंगलियां हैं उंगलियों में कितनी बोन्स होती हैं आपकी, जो फिंगर्स हैं वो कितनी बोन्स होती हैं, आपके थ्री बोन्स होती हैं। जैसे आपकी जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम प्रोक्साइमल फैलेंजीज बोलते हैं, देन मिडल फैलेंजीज बोलते हैं, और डिस्टल फैलेंजीज बोलते हैं, ठीक है। देन ये आपके जो थंब है उसमें टू बोन्स होती हैं, बाकी जो फिंगर्स हैं उसमें थ्री बोन्स होते हैं। ये आपकी पाम इमेज है और ये आपकी रिस्ट बोन्स हैं, ठीक है, इसका मैं एक्सरे इमेज भी दिखा देती हूँ आपको। ये आपकी पाम जो हैंड है उसका एक्सरे इमेज है, ये आपकी रिस्ट होगी, ठीक है, जिनको हम कार्पल बोलते हैं, ठीक है, ये आपकी मेटाकार्पल होगी, ठीक है, जो आपकी हथेली है, ठीक है, और ये आपकी फैलेंजेस होगी, उंगलियां होगी, ठीक है। ये आपकी आप क्लियरली देख सकते हैं आपकी जो फैलेंजेस हैं उसमें तीन बोन्स होती हैं, हर एक उंगली में तीन बोन होती हैं, ठीक है। देन इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल, क्या अभी मैंने आपको दिखाया है, आपको एक्सरे इमेज भी दिखाई है, वैसे इमेज भी दिखाई है कि जो आपकी रिस्ट बोन होती हैं उनको हम कार्पल्स बोलते हैं, ठीक है, और ये फ्लेक्सीबल होती हैं। देन वट विल हैपन इफ इट हैज़ ओनली वन बोन, अगर आपकी कार्पल में अगर आपकी कलाई में सिर्फ एक बोन हो तो क्या होगा, तो आपकी जो रिस्ट है वो फ्लेक्सीबल नहीं होगी, आपका जो हैंड है आप उसको अलग अलग डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद एक्टिविटी फोर करते हैं। एक्टिविटी फोर में क्या है, टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटल वाइल, आपने एक बड़ी सी सांस लेनी है और उसको आपने होल्ड करके रखना है, थोड़ी देर ऐसे ही रखना है, एज इट इज़ रखना है। फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम, क्या है कि आपने जो चेस्ट बोन है और आपकी जो बैक बोन है उसको आपने आराम से प्रेस करके देखना है, आपके जो चेस्ट है उसको मिडल से और आपके जो बैक है उसको भी आपने मिडल से फील करके देखना है, टच करके देखना है। देन उसके बाद काउंट एज मैनी रिब्स, उसके बाद आपने जो चेस्ट में जितनी भी बोन्स हैं उनको आपने काउंट करके बताना है कि कितनी बोन्स हैं आपकी इसमें रिब में, ठीक है। देन चेस्ट बोन में कितनी बोन्स हैं, जितना आप काउंट कर सकते हो उतना आपने काउंट करके बताना है। देन ऑब्जर्व द फिगर 5.10 केयरफुली एंड कंपेयर विद व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन, क्या है आपने जो फिगर आपका 5.10 है इसको आपने केयरफुली ऑब्जर्व करना है और जितनी बोन्स आपने चेस्ट बोन में काउंट की थी उनके साथ आपने कंपेयर करना है कि आपने कितनी नंबर ऑफ बोन्स आपने फील की है। वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट, आप ये भी दिखा देती हूँ मैं आपको, ये है आपका जो रिब्स बोन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जो हमारी चेस्ट बोन होती है, यह हमारी चेस्ट में बोन्स प्रेजेंट होती हैं और जो चेस्ट बोन्स होती है वो आपकी फ्रंट में जो ये बोन है इसके साथ कनेक्ट होती है और जो बैक है इसमें ये आपकी बैक बोन है इसके साथ कनेक्ट होती है। तो जो रिब केज है, रिब में आपकी नंबर ऑफ बोन्स आपकी बता देती हूँ, आपकी 12 बोन्स होती हैं, जैसे आपकी फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ,
अब 11 एंड 12, ये 11 टू 12 आपकी फ्री बोन्स होती हैं, ये आपकी बैकबोन के साथ अटैच नहीं होती हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या है कि दे जॉइन द चेस्ट बोन, क्या ये बोल रहे हैं कि दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स। जो चेस्ट बोन्स और बैक बोन है ये आपस में जुड़ती हैं, जो चेस्ट बोन्स है और बैक बोन है, और एक बॉक्स बना लेती है, एक बक्सा बना लेती हैं जिसको हम रिब केज बोलते हैं, जिसको हम एक जैसे पिंजरा होता है ना, पिंजरे में हम चूहे वगैरह को रोकते हैं, तो उसी तरीके से जो रिब केज है, रिब की जो बोन्स हैं वो एक केज बना लेते हैं, एक पिंजरा बना लेती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रिब केज, ठीक है। इसके पूरे के पूरे बॉक्स को हम क्या बोलेंगे, रिब केज, क्योंकि जो रिब्स हैं चेस्ट बोन्स और बैक बोन्स मिलके एक केज बना लेते हैं जिसको हम रिब केज बोलते हैं, ठीक है। देन देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के दोनों साइड में 12 रिब्स होती हैं, 12 रिब्स होती हैं। सम इंपॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाइक प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज, कुछ हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं जो बहुत सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका लीवर है या फिर आपका हार्ट है, ये इस रिब केज के अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। जो हार्ट है या लीवर है वो इसी रिब केज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं और इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी के, तो इनको इन इस रिब केज के अंदर रखा है। देन आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टॉस विदाउट बेंडिंग देयर नीज, अपने कुछ फ्रेंड हैं या फिर आपके भाई हैं बहन हैं, उनको आपने बोलना है कि अपनी जो नीज हैं, घुटने हैं, उनको विदाउट बेंड किए आपने अपने टोज को टच करना है। देन स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक नेक, उसके बाद आपने नेक से स्टार्ट होना है, एंड मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड, और उसके बाद नेक से स्टार्ट होना है, और उसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपने जो अपनी फिंगर है उसको उसकी बैक में टच करते जाना है। देन व्हाट यू फील इज द बैक बोन, तो आप उसकी बैक में जब वो मुड़ता है विदाउट बेंड हिज नीज, अब जब अपने वो टोज को टच करता है तो आप क्या देखते हैं उसकी बैक में, जब आप अपनी जो फिंगर्स हैं उसको टच करते हैं तो आप क्या देखते हैं, एक लंबी सी जो बोन है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसको हम बैक बोन बोलते हैं, हमारी बैक में जो बोन होती है उसको हम बैक बोन बोलते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्री, और ये काफ़ी सारी जो बैक बोन होती है ना, ये काफ़ी सारी छोटी छोटी बोन से मिलकर बनी होती है, ये सारी वन सिंगल सिंगल बोन्स हैं, ठीक है, ये सारी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन ये अलग अलग बोन्स हैं, ठीक है, जिनको हम वर्टिब्री बोलते हैं। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्री, जो हमारी पूरी की पूरी बैकबोन है ना, ये इसमें टोटल 33 वर्टिब्री होती हैं। द रिब केज इज जॉइंड टू दीज बोन्स, और जो रिब केज होती है ना, तो जो रिब केज है वो इस इन्हीं वर्टिब्री के साथ कनेक्ट होती है। देन अब इस इमेज में देखो, इसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये पूरी की पूरी हमारी बैकबोन है, ठीक है, ये पूरी हमारी बैकबोन है, जो कोई जो हमारी गर्दन में होती है, नेक में होती है, उसको हम सर्वाइकल कर्व बोलते हैं। जो हमारी बैक में होती है ये थोरेसिक कर्व होती है, जो लोअर बैक में होती है वो लंबर कर्व होती है, सैक्रल कर्व होती है, ठीक है। तो ये हमारी जो बैक साइड से ये बैकबोन है, और फ्रंट साइड से हमारा जो रिब केज है, रिब की जो बोन्स हैं और बैक बोन की जो बोन्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, और तभी हमारा जो रिब केज है वो बनता है, ठीक है। और अलग अलग ये कर्व होती है, सर्वाइकल होती है, थोरेसिक होती है, लंबर होती है, सैक्रल होती है, ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। और बाकी आप सीनियर क्लासेस में भी इनको बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, तब आपको जाके अच्छे से समझ आ जाएगा। ये बस मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि जो हमारे जो बैकबोन है वो 4 पार्ट में डिवाइड होती है, सर्वाइकल कर्व, थोरेसिक कर्व और लंबर कर्व और सैक्रल कर्व। देन इफ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन, विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड, अगर जो बैकबोन है वो सिर्फ एक लंबी बोन की बनी होती तो क्या आपका फ्रेंड बेंड हो सकता था, नहीं हो सकता था, क्योंकि जो एक सिंगल बोन है वो मुड़ नहीं सकती है, इसमें काफ़ी सारे जो बोन्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, और इसी वजह से ये जो बैकबोन है ये फ्लेक्सीबल होती है, इसी वजह से हम मुड़ सकते हैं, झुक सकते हैं, सारे काम हम ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। देन मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड्स प्रेस्ड टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश द वॉल, उसके बाद आपने अपने फ्रेंड को क्या बताना बोलना है कि आप एक सीधे खड़े हो जाओ और एक दीवार को आपने पुश करना है, ठीक है, उस दोनों हैंड्स के साथ एक वॉल को, दीवार को पुश करना है। देन डू यू नोटिस टू बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर आर, आप क्या देखते हैं कि आपके जहाँ पर शोल्डर है वहाँ पर टू बोन्स बहुत प्रोमिनेंटली आपको आराम से दिखाई दे जाती हैं, दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स, इन बोन्स को हम क्या कहेंगे, शोल्डर बोन्स। अब जैसे ये पर्सन है, ये दीवार को पुश कर रहा है, इसने एक हाथ उसको यूज़ किया है पुश करने में और दूसरा हाथ उसका नॉर्मल है, तो यहाँ पर ये प्रोमिनेंटली आपको जो शोल्डर बोन है वो आराम से दिख जाती है, ये इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जब आप भी कोई ऐसा वर्क करते हैं जिसमें आपका जो शोल्डर है उसका प्रॉपर वर्क हो रहा है, ठीक है।
देन ऑब्जर्व फिगर 5.13 केयरफुली. दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ पैल्विक बोन्स. 5.13 जो फिगर है वो पैल्विक बोन का है. दे एनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक. तो जो पैल्विक बोन है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? बिलो द स्टमक जो पोर्शन होता है हमारी बॉडी में वो पैल्विक बोन का होता है. एंड दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन. और ये आपकी पैल्विक बोन है, ठीक है, ये पैल्विक बोन है, ये वो पोर्शन होता है जो हमारा स्टमक के नीचे होता है, ठीक है. और इसी पार्ट को हम यूज़ करते हैं बैठने के लिए. जैसे हम बैठते हैं, चेयर पर बैठते हैं, बेड पर बैठते हैं या फिर कहीं पर बैठते हैं, तो इसी पोर्शन पर हम बैठते हैं. इसको हम बैठने के लिए यूज़ करते हैं, जिनको हम पैल्विक बोन्स बोलते हैं. देन द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स. अब स्कल की बारी आ गई आपकी, ये भी आपका फिक्स जॉइंट है. द स्कल कितनी बहुत सारी बोन्स का बना होता है जो कि आपस में जुड़ी होती है. इट एनक्लोसिस एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी द ब्रेन. जो स्कल होता है वो हमारी बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को प्रोटेक्ट करता है. जो कि कौन सा पार्ट है हमारा, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो बहुत मेन पार्ट है बॉडी का, क्या है? ब्रेन. इसको कौन प्रोटेक्ट करता है? स्कल, ठीक है, जिसमें फिक्स जॉइंट होते हैं. वी डिस्कस्ड मैनी बोन्स एंड द जॉइंट्स ऑफ अवर स्केलेटन. हमने अपने स्केलेटन की काफ़ी सारी बोन्स और काफ़ी सारे जॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है. देन देयर आर सम एडिशनल पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन. स्केलेटन के और भी काफ़ी सारे एडिशनल पार्ट होते हैं जिसको दैट आर नॉट एज हार्ड एज बोन्स एंड विच कैन बी बेंड. दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज. ठीक है, काफ़ी सारे एडिशनल पार्ट होते हैं स्केलेटन के जिनको, जो कि बोन्स की तरह हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है, और जो ईजिली बेंड हो सकते हैं. इन पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे? कार्टिलेज. फील योर ईयर. डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट दैट कैन बी बेंड. तो आप अगर आप अपने ईयर को टच करते हैं, ठीक है, तो क्या आपको क्या दिखाई देगा? डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट दैट कैन बी बेंड. क्या आपको कोई बोनी पार्ट दिखाई दे रहा है या फील हो रहा है जिसको हम बेंड कर सकते हैं? देर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन्स हेयर. हमारे ईयर में कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है. देन डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शन अबव इट. क्या है जो हमारे ईयर का जो लोअर पार्ट है इसको हम ईयर लोब बोलते हैं. जो लोअर पार्ट है इसको हम ईयर लोब बोलते हैं, बाकी जो पोर्शन है वो अपर ईयर में होता है. तो जो ईयर लोब है ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, इजिली इसको प्रेस कर सकते हैं. जो अपर जो ईयर है, जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ये इसको थोड़ा, ये थोड़ा सा हार्ड होता है इसके कंपेरिजन में. लोअर ईयर के जो ईयर लोब उसके कंपेरिजन में जो ऊपर वाला ईयर है वो थोड़ा सा हार्ड होता है. तो क्या बोल रहे हैं, देन एज यू प्रेस देम बिटवीन यूर फिंगर्स. ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ये दोनों पार्ट आपके ईयर, जो अपर ईयर है और जो ईयर लोब है. देन You do feel something in the upper part of the ear that is not as soft as the ear. तो क्या है, जो आपका अपर ईयर का जो पार्ट है वो थोड़ा सा हार्ड होता है as compared to जो ईयर लोब है. Then this is the cartilage. क्या है, जो ईयर का जो पार्ट होता है, जो आउटर ईयर है, ये पूरा का पूरा कार्टिलेज का बना होता है. एंड कार्टिलेज इज ऑल्सो फाइंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी. और जो कार्टिलेज है वो बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं ना, जितने भी हमने अभी तक जॉइंट डिस्कस किए हैं, सभी जॉइंट्स में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जो कि आप सीनियर क्लासेस में रीड करोगे. अभी इसका कोई फायदा नहीं है. देन वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स. हमने देखा है कि हमारा जो स्केलेटन है वो काफ़ी सारी बोन्स का बना है. जॉइंट्स उनमें प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स हैं और कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं. यू कुड फील बेंट एंड मूव मैनी ऑफ देम. और उनमें से काफ़ी सारे जो पार्ट्स हैं उनको हम फील कर सकते हैं, हम उन बॉडी पार्ट्स को बेंड कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं. देन ड्रॉ ए नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक. आपने अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है. देन यू हैव Then we have learnt about the bones in our body and about joints that help us move in different ways. क्या है, अभी तक हमने क्या रीड किया है कि काफ़ी सारी जो बोन्स है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, ठीक है, काफ़ी सारे जो जॉइंट्स हैं वो प्रेजेंट है जो कि हमारी बॉडी को डिफरेंट तरीके से मूव करने में हेल्प करते हैं. What makes the bones move the way they do? तो हमारी जो बोन्स है वो कैसे मूव होती हैं इसको भी हम देखते हैं. देन मेक अ फिस्ट. अपनी एक मुट्ठी बनानी है आपने, ठीक है, फिस्ट विथ वन हैंड एंड बेंड योर आर्म एट द लोअर एल्बो. ठीक है, आपने एक जो मुट्ठी बनानी है अपने हैंड की, बंद करनी है सब उंगलियों को और बेंड योर आर्म एट द लोअर एल्बो. और जो आपकी जो एल्बो है वहाँ से आपने अपनी आर्म को बेंड करना है. एंड टच योर शोल्डर विद थम. और आपने अपने शोल्डर को अपने थम के साथ टच करना है, ठीक है. डू यू सी एनी चेंज? Then make a fist with one hand, bend your arm at the elbow and touch your shoulder with the thumb. ठीक है, आपने अपने एक हैंड के साथ फिस्ट बनानी है. फिस्ट मतलब आपने अपने हाथ की मुट्ठी बंद करनी है और उसके बाद अपनी एल्बो से अपनी आर्म को आपने बेंड करना है और अपने शोल्डर को थम्स से टच करना है.
डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म? क्या आपको अपनी अपर आर्म में कोई चेंज दिखाई दे रहा है? टच इट विद अदर हैंड, और उसके बाद उस पोर्शन को आपने, अपनी जो अपर आर्म है उस पोर्शन को आपने अदर हैंड के साथ, दूसरे हाथ के साथ टच करना है, ठीक है? देन डू यू ऑब्जर्व अ स्वोलन पोर्शन इन द अपर आर्म? क्या आपको स्वोलन पोर्शन दिखाई देगा? जो अपर आर्म है उसमें थोड़ा बहुत स्वोलन पोर्शन दिखाई देगा, थोड़ा दिस इज द मसल, इसको हम मसल्स बोलेंगे, जो स्वोलन पार्ट होता है आपकी अपर रीजन में, आर्म की अपर आर्म की रीजन, अपर रीजन में, तो वहाँ पर जो स्वोलन पोर्शन होता है उसको हम मसल्स बोलते हैं। द मसल्स बल्जिस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, क्या है, जो जब हम अपने हाथ को या पैर को जब हम चलते हैं तो उस टाइम पर हमारी लेग्स में, और जब हम अपने हैंड्स के साथ कोई वर्क करते हैं उस टाइम हमारी अपर आर्म में जो मसल्स हैं, ठीक है, वो बल्ज आउट हो जाती है, थोड़ी सी बाहर निकल आती है, या जिसको हम स्वोलन बोलते हैं, थोड़ी सी फूल जाती है, जिसको हम ये किस वजह से होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, अपर आर्म में कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स में, जिससे कि जो अपर आर्म की जो मसल्स हैं वो थोड़ी सी फूल जाती है, बाहर की तरफ निकल जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं ना कि ये डोले शोले दिखा रहा है, वो जो अपर आर्म है उसकी जो मसल्स हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इट बिकेम स्मॉलर इन लेंथ, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो लेंथ में जो मसल्स है वो थोड़ी कम छोटी हो जाती है, जिससे कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और वो आपको बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई देती है। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन, उसके बाद आपने अपनी आर्म को नॉर्मल पोजिशन में लेकर आना है। देन वट हैपन टू द मसल्स, उसके बाद मसल्स के साथ क्या होता है? देन इट इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड, क्या ये अभी कॉन्ट्रैक्टेड पोजिशन में है? नहीं, अभी कॉन्ट्रैक्टेड पोजिशन में नहीं होती है। यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन योर लेग्स वेन यू वॉक और रन, इसी तरीके से की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आपको अपनी लेग मसल्स में भी दिखाई देंगे जब आप चलते हैं या दौड़ते हैं, ठीक है। When contracted the muscles become shorter, तो जब contraction होती है तो जो muscles है वो shorter हो जाती है, size में छोटी हो जाती है, stiff हो जाती है, थोड़ी सी कड़क हो जाती है, जैसे आप अपने अपर आर्म को में ऑब्जर्व करोगे ना तो थोड़ी सी दिखाई देगी, आप जब टच करोगे तो वो थोड़ी सी सख्त आपको फील होगी और ठीक हो जाती है, थोड़ी सी मोटी हो जाती है। इट पुल्स द बोन, और ये बोन को पुल करती है, बाहर की तरफ धकेलती है। देन जैसे अब ये देखो फिगर में, ये आपकी अपर आर्म की ये बोन है, सिंगल बोन है, और ये अपर और लोअर पोर्शन में आपको टू मसल्स दिखाई दे रही है। मसल्स का एक आपने ध्यान रखना है कि मसल्स हमेशा पेयरिंग में वर्क करते हैं, सिंगल मसल वर्क नहीं करती है। तो जब आप अपनी जो लोअर साइड से, सॉरी एल्बो साइड से, एल्बो से जब आप अपनी आर्म को बेंड करते हैं अपने शोल्डर की तरफ, जब इस हैंड को लेकर जाओगे तो इस तरह की मूवमेंट आपको दिखाई देगी, तो आपके जो जो अपर पार्ट में जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, और ये बाहर की तरफ निकल जाती है इस अपर साइड में, जहाँ से आपको बोलते हैं ना कि हम डोले शोले दिखा रहे हैं, तो ये मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपको दिखाई देगा। जब ये अपर जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो जो लोअर पोर्शन में जो मसल है वो रिलैक्स हो जाएगी, वो थोड़ा सा लेंथ में बड़ी हो जाएगी, साइज में बड़ी हो जाएगी। जब आप अपनी नॉर्मल पोजीशन में लेकर आओगे ना हैंड को, इस नॉर्मल पोजीशन में लेकर आओगे, तो जो आपकी जो लोअर पोर्शन में मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और जो अपर पोर्शन में जो मसल है वो रिलैक्स हो जाएगी, उसका जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, और जो लोअर पोर्शन में जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। देन मसल्स वर्क इन पेयर, हमेशा याद रखना जो मसल्स है वो हमेशा पेयर में वर्क करती हैं। देन व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्टेड, अगर एक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बोन इज पुल्ड इन द डायरेक्शन, जिस जो भी मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट होगी, जिस साइड की जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, उस साइड में जो आपकी बोन है वो पुल आउट हो जाएगी, उस तरफ आपको थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट दिखाई देगा। द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्स, तो जो सेकेंड मसल है वो आपको रिलैक्स पोजिशन में मिलेगी। टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, जो कि बोन को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। द रिलैक्सड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स टू पुल द बोन टू वर्ड इट्स ओरिजिनल पोजिशन, जो रिलैक्स मसल होगी ना वो क्या करेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट होकर टू पुल द बोन टू वर्ड इट्स ओरिजिनल पोजिशन, तो वो बोन को उसकी ओरिजिनल पोजिशन में लेकर आएगी जब मसल रिलैक्स होगी, ठीक है। अ मसल कैन ओनली पुल, जो मसल है वो हमेशा पुल करती है, इट कैन नॉट पुश, ये पुश नहीं करती है, ठीक है, हमेशा जो मसल है वो पुल करती है, पुश नहीं करती है। टू मसल्स हैव टू वर्क टूगेदर टू मूव अ बोन, हमेशा जब भी कोई बोन मूव करती है उस बोन को मूव करवाने में हमेशा टू मसल्स का एक साथ वर्क करती हैं, जिसमें कि एक जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और दूसरी मसल रिलैक्स होती है, ठीक है, और हमेशा जो मसल्स हैं वो पेयरिंग में वर्क करती हैं। टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर, हमेशा बोला जाता है कि जो हमेशा जब भी कोई बोन मूव करती है तो उस टाइम पर दो मसल्स हमेशा वर्क करती हैं, ठीक है। देन आर मसल्स एंड बोन ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट, क्या जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं कि हमेशा मसल्स और बोन्स की रिक्वायरमेंट होती है
हाउ डू अदर एनिमल्स मूव, जो दूसरे एनिमल्स हैं वो कैसे मूव करते हैं, डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स, क्या सारे एनिमल्स में बोन्स होती है, देन व्हाट अबाउट एन अर्थवर्म, क्या जो अर्थवर्म है या फिर क्या है स्नेल है वो उनमें क्या होता है, उनमें जो तो बोन्स होती ही नहीं है तो वो कैसे मूव करते हैं। तो अब इस बारे में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है गेट ऑफ एनिमल्स मीन्स क्या है एनिमल की चाल, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स कैसे चलते हैं वॉक करते हैं रन करते हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो अभी हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चैप्टर 5 बॉडी मूवमेंट्स क्लास 6 का लास्ट टॉपिक करते हैं जो कि है गेट ऑफ एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 5 जो कि है गेट ऑफ एनिमल्स। गेट ऑफ एनिमल्स मीन्स एनिमल्स की चाल, एनिमल्स चलते कैसे हैं, डिफरेंट एनिमल्स इस पार्ट में दिए हैं तो वो एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करते हैं। ठीक है वो सारा इसमें हम रीड करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले एनिमल कौन सा है आपका अर्थवर्म। ठीक है अर्थवर्म बरसात के मौसम में हमें बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं कि जो अर्थवर्म है वो कैसे चलता है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करता है। ऑब्जर्व एन अर्थवर्म मूविंग ऑन सॉयल इन अ गार्डन, एक गार्डन में सॉयल पर अर्थवर्म को मूव करते हुए आपने ऑब्जर्व करना है। जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग पेपर और फिल्टर पेपर, उसको आराम से उठाना है आपने और उसको एक ब्लॉटिंग पेपर पर या फिल्टर पेपर पर रखना है और इसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। देन प्लेस इट ऑन ए स्मूथ ग्लास प्लेट, और उसके बाद एक जो चिकनी ग्लास प्लेट होती है या फिर कोई भी स्लिपरी सर्फेस होता है उसके ऊपर आपने उसको रखना है और उसको रखने के बाद आपने उसकी मूवमेंट को दोबारा से ऑब्जर्व करना है। इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम दैट द पेपर, जो पेपर पर चल रहा था अर्थवर्म उस टाइम पे और स्लिपरी सर्फेस पे जो उसकी मूवमेंट है, तो दोनों में कोई डिफरेंस आपको दिखाई दिया है। इन विच ऑफ द अबाउट टू सर्फेसिस डू यू फाइंड दैट द अर्थवर्म इज एबल टू मूव ईजिली, तो जो ब्लॉटिंग पेपर पर या फिर जो फिल्टर पेपर पर आपने अर्थवर्म की मूवमेंट को ऑब्जर्व किया है और जो स्लिपरी सर्फेस आपने स्मूथ ग्लास प्लेट ली है या फिर कोई भी स्लिपरी सर्फेस लिया है, तो उन दोनों की मूवमेंट में आपने क्या डिफरेंस ऑब्जर्व किया है, कौन से जो कौन से सरफेस पे जो अर्थवर्म है वो ईजिली मूव कर सकता है कर रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका जो ब्लॉटिंग पेपर है फिल्टर पेपर है उसके ऊपर अर्थवर्म ईजिली मूव करेगा, क्यों करेगा ये देखते हैं। अभी इसका आंसर अभी आपको दिखाई देगा आगे मिलेगा। द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड, जो अर्थवर्म होता है उसकी बॉडी किससे बनी होती है, काफ़ी सारी रिंग्स से बनी होती है जो कि एंड टू एंड एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। ये मैं अभी आपको इमेज में भी दिखाऊंगी। देन इट देन एन अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स, जो अर्थवर्म होता है उसमें कोई भी बोन्स नहीं होती है, उसमें बोन्स एब्सेंट होती हैं अर्थवर्म में। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी, इसमें सिर्फ मसल्स होती हैं जो कि उसकी बॉडी को एक्सटेंड करने में और शॉर्टन करने में, मतलब उसको एक्सटेंड करती है और जो मसल्स होते हैं वो अर्थवर्म की बॉडी को एक्सटेंड करती है और फिर उसको शॉर्ट करती है। इसी तरह से जो अर्थवर्म है वो मूव करता है। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जब अर्थवर्म मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह तो उस टाइम पे जो अर्थवर्म है बॉडी का फर्स्ट पार्ट को एक्सटेंड करता है, थोड़ा सा आगे बढ़ाता है, फिर इस जब वो फ्रंट पार्ट को एक्सटेंड करता है तो उसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है मीन्स जो पीछे वाला पार्ट होता है बॉडी का वो फिक्स रहता है उसी जगह पे। फिर वो जब फर्स्ट पार्ट को एक्सटेंड कर लेता है तो फर्स्ट पार्ट को वहाँ पे फिक्स कर लेता है और फिर उसके बाद बॉडी के जो लास्ट पार्ट होता है पोस्टीरियर एंड होता है उसको एक्सटेंड करता है, उसको आगे वाले पार्ट तक लेकर जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी ये कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड, ये मैंने आपको बताया अभी, उसके बाद वो क्या करता है फ्रंट एंड को फिक्स कर लेता है और रिलीज द रियर एंड, उसका एंड वाले पार्ट को फिर रिलीज करता है। देन इट देन शॉर्टन द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड, इसके बाद ये बॉडी को शॉर्ट कर लेता है और उसके बाद जो रियर एंड होता है उसको आगे ले लेता है। दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, और इसी तरीके से जो अर्थवर्म है वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस के साथ मूव करता है। ये मैं दिखाती हूँ आपको। अब ये देखो ये अर्थवर्म का एंटीरियर पार्ट हो गया, फर्स्ट फ्रंट पार्ट हो गया, ये माउथ है इसका और ये एनस, ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया, एंड पार्ट हो गया इसका अर्थवर्म का। ये क्लिटेलियम है और ये काफ़ी सारे सेगमेंट्स में अर्थवर्म की बॉडी डिवाइड होती है, इसमें कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ ये सेगमेंट्स में इसकी मसल्स प्रेजेंट होती है। ये जो सेगमेंट होते हैं रिंग की फॉर्म में, ये जो सेगमेंट है ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं जिससे कि अर्थवर्म पूरा बनता है। ठीक है और पहले इसकी मूवमेंट दिखाती हूँ मैं आपको। अब इस इमेज में आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ये देखो इसमें कोई लंग्स नहीं है, कोई दूसरा बॉडी ऑर्गन नहीं है, ये इसका हेड पार्ट हो गया पोस्टीरियर पार्ट, ये इसका एनस पार्ट हो गया एंटीरियर पार्ट। ठीक है ये क्रिटेरियम हो गया और ये इस तरह से जैसे ये सेगमेंट्स हैं, ये सेगमेंट्स की फॉर्म में इसकी बॉडी प्रेजेंट होती है और ये सेगमेंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है।
ठीक है, ये सेगमेंट्स के ऊपर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम ब्रिस्टल्स बोलते हैं, आगे आएगा ये भी आएगी टर्म। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये इसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसकी बॉडी पे प्रेजेंट है। देन दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, इसी तरीके से जो अर्थवर्म है वो स्मॉल स्मॉल डिस्टेंस में आगे बढ़ता जाता है, रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, और इसी तरीके से उसकी जो मसल्स हैं वो एक्सपेंड हो रही हैं बार बार और कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, और इसी तरीके से जो अर्थवर्म है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, ठीक है। देन द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सॉयल, और अर्थवर्म है वो सॉयल में इजिली चलता है, इट्स बॉडी सीक्रेट्स अ स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट, और इसकी बॉडी से एक स्लिमी चिकना सा कोई पदार्थ होता है, मटीरियल होता है, वो इसकी बॉडी से बार बार निकलता रहता है जो उसकी मूवमेंट में इसकी हेल्प करता है। देन हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो अर्थवर्म है वो अपनी बॉडी को ग्राउंड के साथ कैसे फिक्स करता है, ठीक है, अंडर इट्स बॉडी। अब ये जो मैंने आपको पिस्टल्स दिखाए थे उसके बारे में बता रहे हैं, इसकी बॉडी के नीचे इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल्स, इसकी बॉडी के नीचे बहुत सारे नंबर में छोटे छोटे ब्रिस्टल्स होते हैं जिनको हम हेयर लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि इसकी बॉडी से बाहर निकले हुए होते हैं, अभी मैंने दिखाया भी था आपको। द ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विद मसल्स, और जो ब्रिस्टल्स होते हैं ये इनकी मसल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, एंड द ब्रिस्टल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, और इस ब्रिस्टल्स किसमें हेल्प करते हैं, जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो ग्राउंड पर अर्थवर्म की ग्रिप को बना के रखते हैं, उसकी पकड़ को बना के रखते हैं, जिससे कि उसकी मूवमेंट में इसको हेल्प मिलती है। देन द अर्थवर्म एक्चुअली ईट इट्स वे थ्रू द सॉयल, और जो अर्थवर्म है वो अपने तरीके से सॉयल को खाता है, द बॉडी देन थ्रो अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट्स ऑफ द मटेरियल दैट इट ईट्स, और उसके बाद जो अर्थवर्म है वो अपनी बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो सॉयल को ही खाता है, और सॉयल में से जो उसको इम्पोर्टेंट या न्यूट्रिशियस जो पार्ट होता है वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो उसको अपनी बॉडी से बाहर फेंक देता है, बाहर निकाल देता है, दिस लेकिन वो उसकी बॉडी के लिए वेस्ट है, लेकिन वो जो उसने अनडाइजेस्टेड पार्ट निकाला है अपनी बॉडी से वो फार्मर्स के लिए और प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, उससे जो सॉइल की फर्टिलिटी पावर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। दिस एक्टिविटी ऑफ द अर्थवर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स, और इससे जो अर्थवर्म की ये जो एक्टिविटी है कि वो सॉइल को खाता है और अनडाइजेस्टेड सॉइल को बॉडी से बाहर निकाल देता है, ये जो एक्टिविटी है अर्थवर्म की, इससे जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बनती है, फर्टिलिटी पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है सॉइल की। देन उसके बाद है स्नेल, स्नेल कैसे मूव करता है आप ये देखते हैं, ये एक एक्टिविटी सिक्स है, इसके थ्रू देखेंगे। देन ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन और इन अ फील्ड, अगर आपके गार्डन में आपको वो दिखाई देती है या फिर कहीं खेत में आपको दिखाई देती है तो उसको ऑब्जर्व करो स्नेल को। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक, और इसकी बैक पे जो ये राउंडेड स्ट्रक्चर होता है ये कभी आपने अच्छे से ध्यान से देखा है कि ये है क्या, ये अभी हम देखते हैं कि है क्या। दिस इज़ कॉल्ड द शेल एंड इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल, क्या है ये जो आउटर पार्ट अभी दिखाया मैंने, ये स्नेल का स्केलेटन होता है और ये स्नेल के बाहर प्रेजेंट होता है, स्नेल की बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, बट इट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन्स, ये जो स्केलेटन मैंने अभी आपको दिखाया था ये बोन्स का नहीं बना होता है। द शेल इज़ अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और जो शेल होता है स्नेल का वो एक सिंगल यूनिट में प्रेजेंट होता है और ये स्नेल को प्लेस टू प्लेस मूव करने में हेल्प नहीं करता है, बट ये क्या है, इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग, बल्कि जो स्नेल है स्नेल इसको खींचता है अपनी तरफ, अपने साथ साथ जहाँ भी स्नेल जाता है ये उस शेल को अपने साथ साथ लेकर चलता है। अब इस शेल का फंक्शन क्या है, क्यों इसके ऊपर प्रेजेंट होता है ये देखते हैं। प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वॉच इट, स्नेल को अपने ग्लास प्लेट के ऊपर रखना है और उसको देखना है आपने। व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग, जब वो चलना स्टार्ट करता है, केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलोंग विद द स्नेल ओवर योर हेड, और अपने सर से ऊपर आपने उस ग्लास प्लेट को उठाना है जब स्नेल मूव करना स्टार्ट करती है, और ये बड़े ध्यान से करना है आपने। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम बीनीथ, और उसकी मूवमेंट को आपने नीचे से ऑब्जर्व करना है जब, क्योंकि वो आपने ग्लास प्लेट के ऊपर रखा है ना, कांच की ग्लास के ऊपर रखना है तो वो ट्रांसपेरेंट होती है, तो नीचे से आपने उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल मे कम आउट ऑफ एन ओपनिंग, और जो ये स्नेल का जो शेल होती है ना, शेल के अंदर स्नेल की बॉडी प्रेजेंट होती है, जब उसने मूव करना होता है स्नेल ने तो उस शेल में से उसका जो माउथ है वो उससे बाहर निकलता है, ठीक है, उसका हेड जो है वो शेल से बाहर निकलता है स्नेल का और मूव करना स्टार्ट करता है। द थिक स्ट्रक्चर ऑफ इट्स फुट, और इसके जो फुट हैं वो बहुत ज़्यादा थिक स्ट्रक्चर में होते हैं, बहुत थिक होते हैं। देन मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स के बने होते हैं। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट, और उसके बाद आपने ग्लास प्लेट को थोड़ा सा टेढ़ा करना है,
द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन, और जो स्नेल के फुट है वो बड़े जैसे लहर चलती है ना उसी तरीके से उसके जो फुट है वो चलते हैं। इज द मूवमेंट ऑफ द स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू द अर्थवर्म। अब मैं स्नेल की आपको मूवमेंट दिखाती हूँ। अब ये देखो, ये स्नेल है आपकी, और स्नेल जो है ये इसके हैवी फुट हैं, ठीक है, ये इसके कंपाउंड आइज हैं, इसका शेल हो गया, ठीक है, और ये इसके इस साइड से यहाँ से ये इसके ये वाला पार्ट जो है इसके फुट हैं। अभी मैं आपको एक और दिखाती हूँ। अब इसमें देखो, ये इसकी मूवमेंट के साथ ये इसका शेल हो गया, इसका आउटर स्केलेटन हो गया, शेल का इसके अंदर ये रहता है, जब इसने मूव करना होता है इस स्केलेटन से बाहर आता है। ये इसकी कंपाउंड आइज होगी दोनों, ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है ये इसका फुट है, जो ये वाला पोर्शन है इसी के बेस पर ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, ठीक है, मसल्स के बने होते हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स के बने होते हैं जो इसको मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है कॉकरोच। नेक्स्ट जो एनिमल है जिसकी हम मूवमेंट को रीड करेंगे वो क्या है, कॉकरोच है। ऑब्जर्व द कॉकरोच फिगर 5.20 में आपने कॉकरोच के फिगर को ऑब्जर्व करना है। देन कॉकरोच वॉक एंड क्लिम्ब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। जो कॉकरोच है वो चल भी सकता है और वो एयर में फ्लाई भी कर सकता है, ठीक है। दे हैव थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स, और जो कॉकरोच होता है उसके थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं। दीज हेल्प इन वॉकिंग, ठीक है, ये वॉकिंग में हेल्प करती हैं। द बॉडी इज कवर्ड विद द हार्ड आउटर स्केलेटन, और जो इसकी बॉडी होती है उसके ऊपर हार्ड कवरिंग की स्केलेटन होती है। देन दिस आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ नंबर ऑफ द प्लेट्स जॉइंट टुगेदर दैट परमिट्स मूवमेंट, और ये जो बाहर की जो स्केलेटन की स्केलेटन होता है इसका, जो कॉकरोच है, कॉकरोच का जो आउटर स्केलेटन होता है इसमें काफ़ी सारे नंबर में प्लेट्स जॉइंट होती हैं एक दूसरे के साथ, जो कि उसकी मूवमेंट में इसको हेल्प करती हैं। देन देर आर टू पेयर्स ऑफ विंग्स, इसके दो पेयर में विंग्स प्रेजेंट होते हैं अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड, और हेड के पीछे जो बॉडी प्रेजेंट होती है उसके साथ वो अटैच होते हैं। द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, और कॉकरोच की जो मसल्स होती है बहुत अलग होती है। दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर द वॉकिंग, और इसकी जो मसल्स होती है ये जो लेग्स के पास जो मसल्स होती हैं वो उसको वॉक करने में हेल्प करती हैं। एंड द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स, और जो बॉडी के ऊपर मसल्स होती हैं वो उसकी विंग्स को, जो पंख होते हैं उनको मूव करने में हेल्प करती हैं, जिससे कि जो कॉकरोच है वो फ्लाई कर सके। लेग्स के पास जो मसल्स होती हैं वो उसको वॉक करने में हेल्प करती है, और जो विंग्स के पास जो मसल्स होते हैं वो उसको फ्लाई करने में हेल्प करती है। अब ये मैं दिखाती हूँ आपको कॉकरोच का भी फिगर दिखाती हूँ अच्छे वाला। अब ये है आपका फ्रेंड कॉकरोच। अब देखो, इसके थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स हो गया, वन पेयर, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स हैं, कंपाउंड आईज हैं, ये एंटीना है और यहाँ पे ये आईज हैं, ठीक है, और ऊपर इसके विंग्स हैं, ठीक है। नीट पीछे इसका जो ये एब्डोमेन मैं दिखा देती हूँ आपको और फिगर में। अब इसमें देखो, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ये इसके विंग्स हो गए, ठीक है, कॉकरोच के, ये कंपाउंड आईज होगी, ठीक है, ये इसके एंटीना है, टू एंटीनाज हैं, ये थ्री पेयर ऑफ लेग्स हैं, आपकी फोर लेग होगी, ठीक है, फ्रंट लेग जिसको बोलते हैं, जो बीच वाले लेग्स को मिड लेग बोलेंगे और लास्ट वाले लेग को हाइंड लेग बोलेंगे। ये सेगमेंटेड एब्डोमेन है, ठीक है, ये एब्डोमेन इसका काफ़ी सारे सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा जो कॉकरोच का फिगर है, ठीक है। उसके बाद हैं बर्ड्स। बर्ड्स कैसे मूव करते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। जो बर्ड्स हैं वो एयर में फ्लाई भी कर सकते हैं और ग्राउंड पर वॉक भी कर सकते हैं, चल भी सकते हैं। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वैन आल्सो स्विम इन वाटर, कुछ जो बर्ड्स हैं वो वाटर में स्विम भी कर सकते हैं, ठीक है। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सुटेड फॉर फ्लाइंग। बर्ड्स एक क्वेश्चन आता है कि जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो बर्ड्स की बॉडीज होती हैं, बर्ड की जो बॉडी है वो फ्लाई करने के लिए सुटेबल होती है। क्यों सुटेबल होती है, देखो, देयर बोन्स आर होलो, जो बर्ड्स होती हैं ना, बर्ड्स की जो बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं, अंदर से खोखली होती हैं, खाली होती हैं और लाइट इन वेट होती हैं, ठीक है। जो बर्ड्स की बोन हैं वो अंदर से खाली होती हैं, खोखली होती हैं और लाइट इन वेट होती हैं। द बोन्स ऑफ द हाइंड लिम्ब आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। जो बर्ड्स की हाइंड लिम्ब्स हैं, हाइंड लिम्ब कौन सी, आपकी जो पीछे वाली लेग्स होती हैं, ठीक है, वो किसके लिए सुटेबल होती हैं, एक तो वॉकिंग के लिए, उसमें वॉक में हेल्प करते हैं, जब बर्ड्स को चलना होता है तो उसकी हैंड लिम्ब की हेल्प से वो चलती हैं, और पर्चिंग, जब किसी डाल पर बैठना है या तार पर बैठना होता है तो वो हैंड लिम्ब की हेल्प से जो बर्ड्स हैं वो बैठते हैं, ठीक है। देन द बोनी पार्ट ऑफ द फोरलिम्ब आर मॉडिफाइड एज विंग्स। जो बोनी फोरलिम्ब का जो बोनी पार्ट होता है, जो फ्रंट लेग्स होती हैं एनिमल्स की, बर्ड्स की, वो एज ए विंग्स उसके पंख की तरह मॉडिफाई हो जाती हैं, और जो शोल्डर बोन्स होती हैं बर्ड्स में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं।
देन द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड द मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। वो जो ब्रेस्ट बोन होती है बर्ड्स की, जो ब्रेस्ट बोन होती है वो इस तरीके से मॉडिफाई हो जाती हैं जिससे कि जब बर्ड्स फ्लाई करते हैं तो उनके विंग्स अप एंड डाउन डायरेक्शन में मूव करते हैं। अप एंड डाउन डायरेक्शन में मूव करेंगे तभी जो बर्ड्स है वो फ्लाई कर पाएंगे। तो उसमें कौन हेल्प करता है? उसकी ब्रेस्ट बोन, ठीक है, वो इसी तरीके से मॉडिफाई होती है जिससे कि उसके जो मसल्स हैं वो उसको फ्लाई करने में हेल्प कर सकें, ठीक है। देन नेक्स्ट एनिमल है फिश। अब फिश कैसे मूव करता है, फिश कैसे मूव करते हैं ये देखते हैं। ये एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी एक एट के थ्रू देखते हैं। आपने एक पेपर की बोट बनानी है और उसको अपने वोटर में रखना है और उसका जो नैरो पॉइंटेड एंड होता है, जो फ्रंट और लास्ट वाला पार्ट होता है नैरो पॉइंटेड एंड, उस वहाँ से आपने उसको वाटर में पुश करना है। डिड इट गो इन टू द वाटर ईजली, क्या ये वाटर में बहुत ईजिली चली जाती है। देन होल्ड द बोट साइड वे, अब बोट को आपने साइड से पकड़ना है, जो उसका साइड वाला पार्ट होता है उसको पकड़ना, उससे पकड़ना है और उसको फिर आपने वाटर में पुश करना है, ठीक है। उसका जो ब्रॉड साइड पार्ट है वहाँ से आपने वाटर बोट को वाटर में पुश करना है। देन उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं कि आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड। जब आपने बोट को ब्रॉड साइड से पुश किया तो क्या जो बोट है वो वाटर में ईजिली मूव हो रही है, ईजिली जा रही है। तो ये एक इमेज की हेल्प से देखते हैं कि क्या है कि जब आपने बोट को अपने जो एंड पॉइंटेड एंड होता है वहाँ से पकड़ के आपने वाटर में उसको पुश किया तो जो बोट है वो बहुत ईजिली चली जाती है आगे, ठीक है। और जब आप उसको साइड, ये ब्रॉड पार्ट है, अब यहाँ से आप अगर बोट को आप पकड़ के और वाटर में पुश करेंगे तो यहाँ से जो बोट है वो बहुत चली जाएगी लेकिन थोड़ी दूर तक जाएगी, मुश्किल से जाएगी। क्यों जाती है इसका एक रीज़न है, ये अभी हम आगे देखते हैं। हैव यू नोटिस्ड दैट द शेप ऑफ ए बोट इज समवट लाइक ए फिश। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो बोट होती है उसकी जो उसकी जो शेप है वो एक फिश की तरह होती है। फिश की तरह कैसे है, देखो द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर। जो फिश का जो हेड पार्ट होता है, फ्रंट पार्ट होता है, जो टेल पार्ट होता है वो स्मॉलर होता है देन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी। जो बॉडी का मिडल पोर्शन होता है उसके कंपेरिजन में हेड और टेल पोर्शन है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है। द बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड, जो फ्रंट पार्ट होता है और जो टेल पार्ट होता है वहाँ से फिश की जो बॉडी है वो टेपरिंग होती है, टेपरिंग मीन्स नुकीली होती है। और इस तरह की जो बॉडी की शेप होती है उसको हम स्ट्रीम लाइन शेप बोलते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं, जैसे ये फिश की फिगर इन्होंने दिखाई है, फिश की फिगर में जैसे इस ये फ्रंट पार्ट है, ये टेल पार्ट है, ठीक है, ये इसका माउथ पार्ट हो गया, ये टेल पार्ट हो गया। यहाँ से अब देखो आपका जो फ्रंट पार्ट और टेल पार्ट से उसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल नुकीली है एज़ कम्पेयर टू मिडल पार्ट, क्यों ये। और इस तरह की जो शेप होती है ये, इस शेप को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रीम लाइन शेप बोलेंगे। हर एक जो फिश है उसकी शेप सेम है, ठीक है, फ्रंट जो मिडल पार्ट है वहाँ से चौड़ी है और जो आपका फ्रंट और एंड पार्ट है वहाँ से बिल्कुल नुकीली होती है। क्यों होती है ये आगे देखते हैं। इससे जो इस शेप से फिश को किस चीज़ में हेल्प मिलती है, ठीक है, ये भी देखते हैं। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड द, इस तरह की जो स्ट्रीम लाइन शेप होती है, शेप से क्या होता है कि जो वाटर है वो बहुत आराम से इसके साइड में से निकल जाता है, ठीक है। और इससे क्या है, द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद द स्ट्रॉन्ग मसल। जो फिश का जो स्केलेटन है वो स्ट्रॉन्ग मसल से कवर्ड होता है। ड्यूरिंग स्विमिंग, जब फिश स्विम करती है द मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड। और जो फ्रंट पार्ट होता है मसल्स का, जब मसल जो फिश है वो स्विम करती है तो फिश का जो फ्रंट पार्ट की मसल्स होती हैं वो एक तरफ कर्व जब बना लेती हैं, ठीक है, और जो एंड पार्ट होता है वो दूसरी अपोजिट साइड में कर्व बना लेती हैं, ठीक है। ये अभी फिगर में दिखाती हूँ आपको। द फिश फॉर्म से कर, और जो फिश है वो एक तरह का कर बना लेती है। और इससे क्या होगा, देन क्विकली द बॉडी एंड द टेल कर टू द अदर साइड। और उसके बाद क्या होगा, जो टेल का और जो फ्रंट पार्ट का जो कर्व है वो दूसरी साइड में फिर फ्लिप हो जाता है, एकदम से चेंज हो जाता है। दिस मेक्स अ जर्क, और इससे एक जर्क पैदा होता है, एक झटका पैदा होता है बॉडी में, फिश की बॉडी में, जिससे कि फिश को आगे पुश करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। अ सीरीज ऑफ सर्च जर्क, और जब बार बार ये इस तरीके के झटके लगते हैं फिश की बॉडी में तो जो फिश है वो ईजिली स्विम कर जाती है और आगे निकल जाती है। दिस इज हेल्प बाय द फिन्स ऑफ द टेल, और इस ये किससे हेल्प मिलती है इसको, फिश को, जो टेल में जो फिन्स होते हैं उससे बॉडी को आगे मूव करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। अब जैसे ये टेल पार्ट हो गया, अब और ये फ्रंट पार्ट, अब जैसे ये आपका स्टार्टिंग में जो फिश की बॉडी है वो किस तरीके से थी, ये फ्रंट पार्ट आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक है, जो टेल पार्ट है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब जो धीरे धीरे जो बॉडी की जो डायरेक्शन है वो
चेंज होती चली जाएगी। अब जो फ्रंट पार्ट है ये इस तरीके से कर्व बना रहा है, जो टेल पार्ट है वो इस तरीके से कर्व बना रहा है, अब फ्रंट पार्ट है ये इस तरीके से कर्व है, इस तरीके से है। अब ये यहाँ से एकदम से चेंज हो जाता है, अब ये जो कर्व है ये डायरेक्शन चेंज होगी, अब टेल पार्ट की डायरेक्शन जो कर्व की डायरेक्शन है वो एकदम से चेंज हो जाती है, और इससे जो बॉडी में एक जर्क पैदा होता है जिससे कि फिश को आगे स्विम करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। और ये जो जर्क है ये सीरीज में पैदा होता है और जिससे कि फिश को आगे मूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। देन उसके बाद है, फिश आल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी विच मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप द डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। क्या है, जो फिश है फिश की बॉडी में और भी फिन्स प्रेजेंट होते हैं जिससे कि उसकी बॉडी को बैलेंस बनाने में जब फिश स्विम करती है, स्विम करते टाइम एक तो डायरेक्शन मेंटेन रखने में हेल्प मिलती है और बॉडी को बैलेंस बनाने में भी फिश को हेल्प मिलती है किसकी, फिन्स से, ठीक है। देन डिड यू एवर नोटिस दैट द अंडर वाटर डाइवर्स वियर फिन लाइक फ्लिपर्स। जब अंडर वाटर डाइवर्स होते हैं, जब गोताखोर होते हैं ना, वो जब अंडर वाटर जाते हैं तो वो फिन्स की तरह के फ्लिपर्स पहनते हैं अपने पैरों में जिससे कि उनको ईजिली वाटर में मूव करने में हेल्प मिल सके। अब मैं स्विमर्स की आपको इमेज दिखाती हूँ। अब ये देखो, ये स्विमर है तो इसने अपने पैरों में फिन्स की तरह के फ्लिपर्स डाल रखे हैं जो उसको स्विम करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। एक और इमेज है देखो आपके लिए, यहाँ पर भी देखो इसने अपने पैरों में फिन्स की तरह के फ्लिपर्स डाल रखे हैं जो कि इसको स्विम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। देन उसके बाद है, हाउ डू स्नेक्स मूव। अब जो स्नेक है वो कैसे मूव करते हैं, ठीक है, जो स्नेक्स है वो कैसे मूव करते हैं। हैव यू सीन अ स्नेक स्लिथर, जो स्नेक है कभी उसको आपने चलते हुए देखा है। डज इट मूव स्ट्रेट, क्या वो सीधा चलता है। स्नेक्स हैव ए लॉन्ग बैकबोन, जो स्नेक्स होती हैं उसमें लंबी बैकबोन होती है। दे हैव मैनी थिन मसल्स, बहुत सारी पतली पतली मसल्स होती हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम ईच अदर, जो मसल्स होती हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होती हैं लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। मसल्स आल्सो इंटरकनेक्टेड टू द बैकबोन, जो मसल्स होते हैं वो भी आपस में जुड़ी होती हैं और वो बैकबोन के साथ भी इंटरकनेक्टेड होती हैं, रिब्स के साथ और स्किन के साथ, ठीक है। जो मसल्स होती हैं स्नेक की वो बैकबोन के साथ, रिब्स के साथ और स्किन के साथ कनेक्टेड होती हैं, बेशक जो मसल्स हैं वो थोड़ी दूर दूर होती हैं इनकी। देन द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इंटू मैनी लूप्स, जो स्नेक की बॉडी होती है वो बहुत सारे लूप्स में कर्व बनाती हैं, ठीक है। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, और हर एक जो लूप होता है ना फिश इसका स्नेक का, वो उसके आगे पुश करने में हेल्प करता है। जिस और वो पुश करने में कैसे हेल्प करेगा, जो स्नेक की बॉडी है वो ग्राउंड के अगेंस्ट प्रेस होती है, ठीक है, जो जिससे कि जो लूप बना लेते हैं और लूप बना के जो स्नेक की बॉडी वो आगे पुश हो जाती है, आगे चलती है। देन सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स, जो स्नेक की बॉडी होती है वो काफ़ी सारे लूप्स बना लेती है क्योंकि लंबी बॉडी होती है, लॉन्ग बॉडी होती है स्नेक की। ईच लूप गिव इट दिस पुश, हर एक जो लूप होता है वो स्नेक को एक पुश देता है जिससे कि स्नेक आगे मूव कर सके ईजिली। एंड द स्नेक मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, और इससे जो स्नेक है वो क्या है, बहुत फास्ट मूव करता है और एक स्ट्रेट लाइन में वो कभी मूव नहीं करता, वो हमेशा लूप्स में मूव करता है क्योंकि हर एक जो लूप है वो स्नेक को आगे पुश करने में हेल्प करेगा। देन वी हैव लर्नड अबाउट द यूज ऑफ बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, क्या देखा है कि हमने काफ़ी सारे जो मसल्स हैं और बोन्स हैं उनको किसमें एनिमल्स को डिफरेंट एनिमल्स की मूवमेंट में कैसे हेल्प करते हैं वो अभी तक हमने पढ़ा है। पहली एंड फूजो हैव मैनी क्वेश्चन इन देयर स्टैग अबाउट द डिफरेंस डिफरेंट मूवमेंट इन एनिमल्स, जो भूजो और पहेली है, अब इनका जो बैग है स्टैग है मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इनके बैग में, इनके माइंड में किसके लिए कि डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट मूवमेंट कैसे होती है। सो मस्ट यू बी हैविंग मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चन बजिंग इन योर माइंड, और क्या है कि काफ़ी सारे जो अनआंसर्ड क्वेश्चन है, काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर अभी तक भी नहीं मिले हैं, जैसे काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे हैं। द एंशियंट ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल, जो एरिस्टोटल थे ग्रेट फिलोसफर हैं जिनको अरस्तु बोलते हैं, इनकी बुक है जेट ऑफ एनिमल्स, इसमें इन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं अपने आप से, जैसे वाई टू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स दैट दे डू हैव एंड हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स हेल्प एनिमल्स टू मूव द वे दे डू, ठीक है। देन व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर बॉडी पार्ट्स बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स, ठीक है।
देन हाउ मैनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाई डिफरेंट एनिमल्स, क्या है कि हर एक एनिमल में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स उसको मूव करने में कैसे हेल्प करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देन वाई टू लेग्स फॉर ह्यूमन्स, ह्यूमन्स के लिए सिर्फ दो लेग्स होती हैं और काउ और बफेलोस फोर लेग्स के साथ मूव करते हैं। मैनी एनिमल्स सीम टू बी हैविंग एन इवन नंबर ऑफ लेग्स, वाई, काफ़ी सारे एनिमल्स होते हैं जिनमें बहुत सारी लेग्स होती हैं, उनमें इतनी लेग्स क्यों होती हैं। वाई इज द बेंडिंग ऑफ आवर लेग्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आवर आर्म्स, अब अपनी बॉडी में देख लो कि लेग्स की बेंडिंग अलग है और आर्म्स की बेंडिंग अलग है। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो कि सो मैनी क्वेश्चन एंड परहैप्स वी हैव लुक्ड फॉर सम आंसर्स दो आवर एक्टिविटीज़ इन दिस चैप्टर, इसमें काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू हमने अलग अलग क्वेश्चन के आंसर भी देखे हैं एंड वी नीड टू लुक फॉर मैनी मोर आंसर, और अभी हमने आगे और भी क्वेश्चन के आंसर देखने हैं। तो अभी आपका ये चैप्टर हुआ कम्प्लीट बॉडी मूवमेंट, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उसके सोल्यूशन लेकर आऊँगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियोज़ को जिससे कि उनको भी हेल्प हो सके। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, डिफरेंट डिफरेंट जो इमेजेस हैं उनको सर्च करना फिर उन पर वीडियो बनाना, तो थोड़ा सा आपका भी बनता है कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू अभी के लिए।